नमस्कार, मैं जेपी सिंह जयवर्धन आज आपके सामने फेसबुक लाइव पर हूं। जैसा कि विजय कुमार सैनी जी का आदेश हुआ था कि आज आप अपनी रंग यात्रा के बारे में कुछ बात करें, तो मैं शुरू करता हूं कि ये रंग कर्म का, रंगमंच का बीज कहाँ से पनपा, कहाँ बोया गया। मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला है, उसी में मीरपुर गांव है, जो एक ठाकुआ बाजार है, कस्बा है, उसी के पास है ये मीरपुर। मेरा जन्म वहीं पर हुआ है। तो गांव में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वहां पर मनोरंजन का और कोई साधन होता नहीं है। नौटंकी है, आला है, रामलीला है, बिरहा है, इस तरह के आयोजन होते हैं, या कभी कभार लोग अपने घरों में सुंदर कांड का पाठ रखते हैं। तो हमारे यहाँ भी नौटंकी खूब हुआ करती थी, और नौटंकी का जो म्यूजिक होता है, जो नक्कारा बजता है, वो कहीं न कहीं आपको आकर्षित करता है। उसके साथ जो हारमोनियम, जिसको पेटी बोलते हैं, पेटी बजती है, तो कहीं दूर पर भी अगर नौटंकी हो रही हो तो आपको आवाज सुनाई दे जाएगी। आपको लगेगा कहीं नजदीक ही नौटंकी हो रही है, लेकिन आप चलते जाइए, कहीं बहुत दूर पर हो रही होगी। ऐसा पहले कोई प्रचार नहीं होता था कि नौटंकी होने जा रही, आप लोग नौटंकी देखने आइए। लोग नकारा सुनते थे, म्यूजिक सुनते थे, तो उस ओर चल पड़ते थे और वहां पहुंच जाते थे। नौटंकी रात भर होती थी, 11-12 बजे के आसपास उसमें खेल शुरू होता था और लोग बैठे रहते थे। सुबह जाकर जब बिल्कुल पहली किरण निकलने वाली होती थी, कभी कभी तब जाके नौटंकी खत्म होती थी, लोग रात भर वहीं बैठे रहते थे। मेरा जन्म एक ठाकुर परिवार में हुआ था, जहां पर लोग पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान देते थे, नौटंकी देखने की मनाही थी। मैं नौटंकी देखना चाहता था, लेकिन नौटंकी देखने की परमिशन नहीं मिलती थी। हाँ, दशहरे के बाद कभी कभी घर के आसपास, जैसे ढकुआ बाजार है, वहां पर रामलीला करने के लिए जब लोग आते थे दशहरे के बाद, तो रामलीला देखने के लिए हमें परमिशन मिल जाती थी, तो रामलीला देखने के लिए जाते थे। यह एक रामलीला 1 बजे 2 बजे तक खत्म हो जाती थी, फिर हम लोग आते थे। दूसरे दिन फिर अगर स्कूल है तो पढ़ने के लिए चले जाते थे, क्योंकि रामलीला एक धार्मिक चीज थी, तो उसके नाम पर परमिशन मिल जाती थी। या फिर कभी कभी दशहरे में वहां ढकुआ बाजार के पास नाटक हुआ करता था, तो वो नाटक देखने के लिए दशहरे में हम लोगों को परमिशन मिल जाती थी, तो आराम से हम लोग जाते थे, नाटक देखते थे। तो जब नाटक देखते थे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि किसी चरित्र के जगह पर आप अपने आप को देखने लगते हैं कि मैं इस जगह क्यों नहीं हूं, अगर मैं होता तो मैं भी इस रोल को कर सकता हूं या कर सकता था। तो इस तरह का एक नाटक के प्रति जो है आकर्षण पैदा हुआ। लेकिन नौटंकी के लिए परमिशन, जबकि नौटंकी का संगीत, नौटंकी का गायन, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब भी नौटंकी देखने का मन होता था तो मैं अपने पिताजी को पटाता था, बाबा वगैरह तो वो लोग नहीं परमिशन देते थे कि वहां का माहौल अच्छा नहीं होता है, नौटंकी देखने नहीं जाना है। तो मैं पिताजी को पटाता था, उनको भी नौटंकी देखने का शौक था, तो वो मेरा पूरा साथ देते थे। हम लोग क्या करते थे, जाड़े के दिन मान लीजिए है तो रजाई के अंदर तकिया सजा के, कंबल सजा के, बाकायदा लगे कि कोई लेटा हुआ है, सो रहा है, इस तरह करके चुपचाप बिना किसी को बताए हुए निकलते थे और जाकर नौटंकी देखते थे।
लेकिन सुबह होने से पहले ये होता था कि जल्दी से जल्दी भाग लो, क्योंकि गांव में लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। बहुत सुबह जानवरों को बांध दिया जाता है, खाने पीने के लिए लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, तो कभी कभी तो नौटंकी हम लोगों को बीच में ही छोड़ के वहां से निकल जाना पड़ता था कि जल्दी जल्दी घर पहुंच जाइए, आके अपने बिस्तर में लेट जाइए, जिससे जब लोग उठें तो उनको लगे कि नहीं, ये नौटंकी देखने नहीं गया था, ये सो रहा था। तो इस तरह से नौटंकी देखने का काम शुरू किया, नौटंकी देखना शुरू किया मैंने, और नाटक के प्रति, नौटंकी के प्रति, रामलीला के प्रति अपना जो है आकर्षण बढ़ना शुरू हुआ। तो जो दशहरे में नाटक होता था उसमें पढ़े लिखे लोग, कोई अध्यापक होता था, कोई पढ़ रहा होता था, कोई नौकरी कर रहा है, अच्छे लोग नाटक करते थे और अच्छा नाटक करते थे, तो हम देखने के लिए जाते थे। तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी इसमें चांस मिल जाए, लेकिन उसमें लोग थे जो पहले से कर रहे थे, पुराने लोग थे, तो उन लोगों को ही मौका पहले मिलता था, जल्दी नए लोगों को मौका नहीं मिलता था। तो मैं ये लगभग 76-77 की बात है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी नाटक करें। उस समय मैं 9th क्लास में पहुंच गया था। हम लोग भी दशहरे में, दशहरे के आसपास अपने यहाँ नाटक करें। तो आसपास जो हमारे साथी दोस्त थे, जो थोड़ा बड़े लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों से बातचीत हुई तो सब बड़े उत्साहित हुए, हाँ, कुछ नाटक किया जाए। तो सब तैयार हो गए, अब नाटक की तलाश शुरू हुई। तो वहां छोटे कस्बों में जाइए, बाजार वगैरह में जाइए, तो वहां पर नाटक की किताब नहीं मिलती है। अगर नाटक की किताब आपको मिलती भी है तो वो धार्मिक नाटक होते हैं, भक्त प्रहलाद, हरिश्चंद्र, ध्रुव, इस तरह के नाटक मिलते थे। तो फिर तय हुआ कि हम लोग भी कोई नाटक इसी तरह का करते हैं। तो वहां पर एक प्राइमरी स्कूल था, रात में 9 बजे, खाना खाने के बाद 9 बजे 10 बजे हम लोग रिहर्सल के लिए, एक स्कूल था तो उसमें इकट्ठा होते थे, वहां पर रिहर्सल करते थे और 12 बजे तक फिर घर आ जाते थे। पहली बार जब नाटक हम लोगों ने शुरू किया तो घर वालों को पहले नहीं बताया। पड़ोस में मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने भी अपने घर पे लोगों को नहीं बताया। फिर भी किसी तरह से लोगों को पता लग गया कि ये लोग रिहर्सल कर रहे हैं और नाटक करने की तैयारी कर रहे हैं। तो घर के लोग काफी गुस्सा हुए, नाराज हुए, ये क्या है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर तुम लोग नाटक करने जा रहे हो। जो हमारे पड़ोस में थे उनका तो घर में आना जाना बंद कर दिया, तो वो मेरे यहाँ पर ही रहते थे, रात में मेरे यहाँ ही सोते थे। उनके पिताजी बहुत नाराज थे कि ये सब क्या करने जा रहे हैं। तो वो जौनपुर में रहते थे, जैसे कभी आते थे तो वो घर छोड़ देते थे, जब जौनपुर चले जाते थे तो फिर घर आना जाना शुरू हो जाता था। तो किसी तरह से तैयारी हुई नाटक की, वहां पर स्टेज वगैरह तो कुछ होता नहीं है, हम लोगों के यहाँ से ले आकर तखत, तखत को जोड़ जोड़ कर एक स्टेज बनाते हैं, फिर पर्दा लगाकर पीछे ग्रीन रूम बनाना, और पर्दा वो खींचने वाला पर्दा होता है, पर्दा बंद करो, लाइट भी गांव में नहीं थी कि लाइट लगाकर नाटक किया जाए, तो पेट्रोमैक्स उस समय जलाया जाता था, और मेकअप के लिए भी, मेकअप का सामान नहीं होता, तो उस समय मुर्दा शंख बोलते हैं, उसको पत्थर पर घिसते थे, लगाते थे, और जो काजल है, लिपस्टिक है, इस तरह की चीजें जो लगानी है, या मूंछ भी बनाना है तो उसी कालिक से ही मूंछ वगैरह बनाई जाती थी। मेकअप का कोई सामान नहीं होता था, ना क्रेप वर्क, ना बनी बनाई मूंछ, इस तरह की कोई चीज नहीं मिलती थी। अगर होती भी थी तो जो लोग रामलीला करते थे ये उनके पास सामान होता था, उस तरह की कॉस्ट्यूम, कि राजा महाराजा की कॉस्ट्यूम है और मूंछ है, दाढ़ी है, लगाना है, उनके पास होता था। वो लोग बाहर से खरीद कर लाते थे, कोई बनारस से, कोई कहीं से, इलाहाबाद से खरीद के लाते थे, अपने पास रखते थे, क्योंकि उसी समय दशहरा होता था तो कोई भी किसी को, दूसरे को सामान नहीं देता था। फिर भी हम लोग मांग कर किसी तरह से पहली बार तैयारी हुई सारा, और नाटक जिस तरह से 10 दिन में तैयार किया जाता है, तो किसी को डायलॉग प्रॉपर नहीं याद होता था, पीछे से प्रॉम्प्टिंग होती थी, एक आदमी
स्क्रिप्ट लेकर बैठता था, वो डायलॉग जो है बोलता रहता था बीच बीच में धीरे धीरे, जो आगे लोग कर रहे हैं तो कभी सुनाई देता था, कभी नहीं सुनाई देता था, कभी दूसरे का डायलॉग दूसरा बोल देता था। तो उसमें बड़ा हौच पौच होता था, लेकिन लोग किसी न किसी तरह से उसको मैनेज करते थे। उसमें एक कोई विदूषक जोकर भी होता था, जो बीच बीच में जब सीन एक खत्म होता है दूसरा होता है तो उसके बीच में लोगों के मनोरंजन के लिए भी काम करता है। उस समय लड़कियां तो होती नहीं थी नाटक करने के लिए, नाटक में लड़के ही लड़कियां बन के काम करते थे। इस तरह से नाटक की तैयारी हम लोगों ने भी शुरू की। पहले दिन शो की तैयारी हुई, घर वालों को लगा कि जब बच्चे कर रहे हैं और आज शो हो रहा है तो हम लोगों को भी चल के देखना चाहिए कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो तो वहां की व्यवस्था में। तो सब लोग आ गए, लेकिन पहले दिन का शो बस शुरू होने वाला था, इतने में आंधी पानी बारिश, इतना जोर की बारिश आई कि सब कुछ तहस नहस हो गया। साड़ियों से सजाया गया था, पर्दे फट गए, एक दो साड़ियां फट गई, सब कुछ बांस वांस जो लगाया गया था, कहीं पेट्रोमैक्स टूटा, कुछ हुआ, तो सब बड़े निराश हुए कि इतनी मेहनत हम लोगों ने की और बीच में अवरोध आ गया, लोग कर भी नहीं पाए। लेकिन जो लोग विरोध करते थे, हमारे घर के लोग, उन लोगों ने कहा कि भाई तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है तो आज फिर से करो, तैयारी करो। और हम लोगों ने तैयारी शुरू की, चलो कल गड़बड़ हो गया, कल नहीं हो पाया तो आज हम लोग फिर से नाटक करते हैं। दूसरे दिन का नाटक हुआ और नाटक जैसे तैसे उस समय के हिसाब से मैं कहूंगा कि नाटक अच्छा हुआ, लोगों ने एंजॉय किया। जैसा भी बन पड़ा, सब पहली बार नाटक कर रहे थे, अपनी तरफ से लोगों ने कोशिश की। और देखिए, गांव में कोई मनोरंजन का साधन तो और होता नहीं है, और सारे करने वाले अपने ही लोग थे, तो वहां नाटक अगर कुछ 19 भी होता है, कुछ गड़बड़ भी होता है, तो लोग सपोर्ट करते हैं, तालियां बजाते हैं, आपका उत्साहवर्धन करते हैं, वहां उसमें इनाम भी लोग देते हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, कोई गाना अच्छा गाया, कोई किसी ने डांस आके अच्छा किया, तो उसमें इनाम भी दिया जाता था। और थिएटर का क्या व्याकरण होता है, ग्रामर होता है, ये तो जाके मैंने बाद में सीखा कि किसको थिएटर कहते हैं। और उस समय कोई जो जिसको हम ब्लॉकिंग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, जहां माइक लगा है वहीं जाकर आप बोलिए, यही ब्लॉकिंग है। डायरेक्टर का डायरेक्शन बस यही होता है, जहां पर माइक है, अगर दो करेक्टर हैं तो एक माइक आप ले लीजिए, एक माइक आप ले लीजिए, खड़े हो जाइए दर्शकों के सामने मुंह करके, आप नाटक कीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने नाटक करना शुरू किया, ये 76-77 की बात है। फिर ये हुआ कि कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, दाढ़ी मूछ, ये सब दुनिया भर की चीजों की जरूरत होती है, क्यों नहीं हम लोग सामाजिक नाटक करें। लेकिन सामाजिक नाटक मिलता ही नहीं था, तो अब क्या करें। तो इसके लिए मैंने खुद जो है नाटक लिखना शुरू किया। 77 में ये नाटक लिखा, हालांकि उस समय जो नाटक मैंने लिखा था, जो किया, आज उसका कोई भी आलेख मेरे पास नहीं, कोई पांडुलिपि नहीं है। लेकिन जो गांव की समस्याएं थी लोगों की, किसानों की, उनको लेके नाटक किया। लोगों ने नाटक को बहुत सराहा, नाटक लोगों को अच्छा लगा। 78 में इंटरमीडिएट मेरा हो गया, 78 के बाद मैं बहराइच आ गया ग्रेजुएशन के लिए, वहाँ किसान डिग्री कॉलेज था, उसमें मेरे ताऊ जी प्रिंसिपल थे, तो वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन कॉलेज में भी आकर, वैसे तो स्कूल वगैरह में जो एनुअल फंक्शन होता था उसमें मैं काम करता ही था, फिर इस तरह दशहरे में भी काम करना शुरू किया। तो यहाँ पर जब आया तो मुझे लगा कि नहीं, उस चीज को शुरू किया जाए। तो यहाँ भी लोगों को मैंने इकट्ठा करके बहराइच में, वहां पर भी मैंने नाटक शुरू किया, कॉलेज में, कॉलेज के अपने साथी दोस्तों को लेकर। फिर मेरा ग्रेजुएशन हो गया, फिर मैंने हिस्ट्री में एडमिशन लिया एमए के लिए। और पहला साल जब मेरा बीता
पहले साल का रिजल्ट आने वाला था, उसी समय मैंने देखा भारतेंदु नाट्य अकादमी का एक विज्ञापन छपा हुआ है पेपर में कि यहाँ पर आपको अभिनय सिखाया जाएगा, रंगमंच का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें स्कॉलरशिप भी है, 200 रुपए 250 रुपए स्कॉलरशिप भी थी। तो मैंने सोचा कि एक्टिंग करने का मन होता है, इस फील्ड में जाने का मन होता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर एडमिशन ले लूँ। लेकिन लोगों को मैंने नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बताता तो शायद मुझे परमिशन मिलती भी नहीं। तो मैंने बहाना बनाया कि ये हिस्ट्री से जो मैं एमए कर रहा हूँ इसका कोई फायदा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं लॉ कर लूँ, और लॉ करने के लिए मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, लखनऊ। तो ताऊ जी ने कहा जाओ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ आर्थिक मदद नहीं दे पाऊंगा। वहां पर चार लड़कियां थी, उनके एक लड़का था, सबका शादी ब्याह भी होना था। तो मैंने कहा कोई नहीं, वहां पर स्कॉलरशिप है, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप से और भी देखते हैं, कुछ हो जाएगा तो करेंगे। इसी तरह से वहां पर मैं निकल आया कि मैं लॉ में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, और यहाँ पहुंचा, फॉर्म वगैरह तो भेज दिया था भर के। जिस दिन इंटरव्यू था मैं वहां पहुंचा, रहने का लखनऊ में कोई इंतजाम नहीं था। मेरी बुआ के एक लड़के थे, वो दिल्ली वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में महमूदाबाद हॉस्टल में रहते थे। तो मैंने उनसे बात की कि मैं इस दिन आ रहा हूँ और मुझे कुछ काम है, एक दिन मैं रहूंगा। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं है, हॉस्टल में मेरे साथ रह लेना। तो वो भी वहां से लॉ कर रहे थे। मैं गया महमूदाबाद हॉस्टल में, 102 रूम नंबर था, मैं वहां पर रुका। दूसरे दिन भारतेंदु नाट्य अकादमी गया इंटरव्यू देने के लिए। उस समय भारतेंदु नाट्य अकादमी विक्रमादित्य मार्ग पे होती थी, और एक फ्लैट नुमा जगह थी, बहुत ज्यादा जगह नहीं थी, उसमें एक बड़ा सा हॉल था, एक लेवल ऊपर था एक नीचे था। तो अगर 12x12 के एक ऊपर समझ लीजिए तो दूसरा थोड़ा सा लंबा था, 15x12 समझ लीजिए, 10 समझ लीजिए, छोटा सा था। एक में राज साहब बैठते थे, एक में अकाउंट सेक्शन, ये सब चीजें थी। तो वहां जब मैं इंटरव्यू देने गया तो एक से एक लोग बैठे हैं, सज धज के सब लोग आए थे, कोई डायलॉग बोल रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, मतलब उन लोगों को देखते ही बनता था सब क्या एटीट्यूड था लोगों का। मैं गांव से बस बहराइच गया था, एक छोटे से शहर में, जिसने कभी जिंदगी में नाटक नहीं देखा था वही रामलीला या जो पर्दा गिराओ पर्दा उठाओ वाला नाटक किया था वही था। तो वहां आकर सब कुछ मेरे लिए बड़ा जैसे चकाचौंध कोई हो जाए उस तरह की चीज थी। तो आते देखते ही भीड़, एक से एक लोग बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लड़के लड़कियां। तो मैंने सोच लिया कि नहीं, मेरा होना नहीं है, मैंने गलत बयाना ले लिया है। लेकिन फिर सोचा कि जब यहां तक आ ही गए हैं तो इंटरव्यू दे देते हैं। इंटरव्यू होता गया धीरे धीरे, जब मेरा नंबर आने वाला हुआ मेरी धुकधुकी बढ़ती जा रही थी, हालत खराब होती जा रही है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं। खैर मैं वहां पहुंचा, राज साहब थे, मुद्रा राक्षस जी बैठे हुए थे, दो एक लोग और भी थे, शायद भाटिया साहब भी बैठे थे, मैं तो किसी को जानता नहीं था। कहां से आए हैं आप, क्या करते हैं आप, नाटक क्यों करना चाहते हैं? तो बस शौक है इसलिए करना चाहते हैं, कभी नाटक किया है? हाँ, गांव में दशहरे में साल में एक बार नाटक होता था, तो इस तरह का नाटक किया है मैंने, पर्दा लगा के जिस तरह करते हैं। तो मतलब मुझे जो भी पूछते थे इस तरह की चीजें मैं बता देता था, बाकी चीजों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या था, आपने क्या पढ़ा है? तो मैंने बताया कि ये लिटरेचर में ये था ये सब्जेक्ट था। तो अच्छा, आप संस्कृत आप पढ़ते हैं, तो संस्कृत में तो ड्रामा होता है, संस्कृत में ड्रामा पढ़ाया गया होगा? मैंने कहा हाँ, विज्ञान शाकुंतलम है कालिदास का।
तो मुद्रा राक्षस जी ने ये क्वेश्चन किया था, मुझे याद है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में तुम्हें सबसे ज्यादा नाटकी क्या लगता है, जिस पर कि जल्दी मतलब विश्वास नहीं होता, ऐसा क्या है जो तुम्हें लगता है? और देखा जाए तो सारा नाटक उसी के ऊपर है, क्योंकि मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा हुआ था संस्कृत में, तो मैंने बताया कि ये अंगूठी का खोना और बिना अंगूठी के पहचान न पाना, तो ये मैंने बताया कि वो जिस तरह से दुष्यंत बिना अंगूठी के पहचान नहीं पा रहे हैं शकुंतला को, ये थोड़ा सा अति नाटकीय लगता है, समझ में नहीं आता। बाकी सब चीजें आपको याद हैं, आपको याद है कि हाँ एक ऋषि थे, उनका आश्रम है, इतना सब कुछ याद है, बाकी चीजें नहीं याद आ, आपको अंगूठी नहीं याद आ रही है, और आपका इतना अच्छा वहां पर संबंध रहा है शकुंतला के साथ, आप रहे हैं, आपने समय बिताया है, लेकिन शकुंतला आपको याद नहीं आ रही है। मैंने कहा आज के जमाने में करेंगे तो जल्दी लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि कालिदास ने लिखा है और एक बहुत बड़ा महाकाव्य है तो है, तो ये मुझे थोड़ा सा अति नाटकीय लगता है, और देखा जाए तो अंगूठी के ऊपर ही पूरा नाटक है, तो ये बात शायद उनको ठीक लगी होगी। तो उन्होंने कहा आपको स्कॉलरशिप यहाँ मिलेगी, घर वाले आपको पैसा देंगे कि नहीं देंगे, तो उस समय क्योंकि एडमिशन लेना था, मैंने कहा हाँ हाँ पूरा सपोर्ट मिलेगा, सब हो जाएगा, अगर एडमिशन तो मैं घर वालों को मना लूंगा। तो इंटरव्यू देकर मैं चला गया, और पूरा विश्वास था नहीं यहाँ पर मेरा नहीं होने वाला है, और मैं जाके बहराई चला गया, फिर मैं भूल भी गया और घर वालों को बताया भी नहीं था कि मैं वहां इंटरव्यू देकर आ रहा हूँ भारतीय नाटक अकादमी में। अच्छा, एड्रेस ताऊ जी का ही था, कॉलेज का एड्रेस था, तो एक दिन वहां से पत्र पहुंचा भारतीय नाटक अकादमी का कि आपका चयन हो गया है, आपको 250 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ताऊ जी ने बुलाया घर पर, वहां पर आओ यहाँ आओ, तो तुम लॉ में एडमिशन लेने के लिए गए थे। फॉर्म वॉर्म भर दिया, मैंने कहा हाँ, और भी कुछ किया नहीं, लेटर दिया, हमारा एडमिशन हो गया है भारतीय नाटक अकादमी में, तो तुम अब ये सब छोड़ के नाटक करने जाओगे, नाटक सीखने जाओगे। मैंने कहा हाँ इंटरेस्ट है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि नाटक सीख लूँ। बोले ठीक है, जो भी तुम्हारे मन में आए करो, लेकिन किसी तरह की मदद यहाँ से तुम्हें नहीं मिलेगी। अच्छा, घर की ये पृष्ठभूमि थी, मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते थे, लेकिन वो चार भाई थे, एक डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, एक इस समय अंबेडकर यूनिवर्सिटी में है, सब मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रोफेसर रीडर प्रिंसिपल, अच्छी जगह पर सब थे, और मेरे लिए भी तैयार हो गया था कि कहीं भी तुम्हें टीचर की तरह जाना है, टीचर बनना है, या फिर लॉ कर रहे हैं तो मुंसफ वगैरह बन जाना, ये पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन मेरा इन सब में कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाने में या प्रैक्टिस करने में या मुंसफ बनने में। तो फिर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। तो आ गया लखनऊ, और बुआ जी के जो लड़के थे उन्हीं के साथ रहना शुरू किया। घर से मैं एक साइकिल ले गया था, तो साइकिल से लखनऊ यूनिवर्सिटी से विक्रमादित्य मार्ग पर आना जाना होता था। 250 रुपए जो स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन उस समय वो पैसा बहुत होता था। बस एक बड़ा खराब शौक था कि 250 रुपए जिस दिन मिलते थे, एक दिन तो पोस्ट ऑफिस में, हजरतगंज के पास पोस्ट ऑफिस था, एक दिन पैसा वहां रहता था, दूसरे दिन मेरे जेब में रहता था, तीसरे दिन पैसा वो खत्म हो जाता था। लेकिन क्योंकि हॉस्टल था, मेस था, खाना खाने का इंतजाम हो जाता था, जिस दिन संडे होता था, मेस वगैरह बंद होता, तो उस दिन बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो फिर इस तरह से वहां शुरू हुआ, गए, जो हमारे सीनियर थे उनसे परिचय हुआ। मेरा दूसरा बैच था, 81 83 का बैच मेरा था,
उसके पहले 81 82 वाले बैच के लोग थे, जिसमें राकेश श्रीवास्तव जी थे, मंजरी शंकर जी, चित्रा, सुरेश शर्मा, आनंद मोहन बख्शी, गौतम सिद्धार्थ, ये सारे लोग थे। लेकिन वहां पर एक बड़ा माहौल क्रिएट किया गया था। हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने ऐसा माहौल बनाया था, इतना डरा कर रखते थे, नहीं ये मत करो, ये मत छुओ, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ क्यों बैठे हो, जोर से क्यों बोल रहे हो, हारमोनियम क्यों छू दिया। अरे मतलब क्या माहौल क्रिएट किया था उन लोगों ने। तो हम लोगों को धीरे धीरे सिखाते थे कि यहाँ क्या परंपरा है, किस परंपरा का आपको निर्वाह करना है, कैसे एक दूसरे का सम्मान करना है। ये राज साहब हैं, राज साहब जो पिताजी की तरह थे, कि जैसे शाम को होता है छोटे बच्चे की, अब शाम को पिताजी घर आ रहे होंगे तो फटाफट खेलना कूदना सब बंद, आओ घर में बैठ जाओ, किताब खोल के किताब में सिर गड़ा दो, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन किताब पढ़ते नजर आना चाहिए। पिताजी जब घर में आए उनको दिखना चाहिए कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई शरारत नहीं कर रहे हैं। तो राज साहब अम्बेसडर से आते थे, बाहर गेट पे जैसे ही हॉर्न सुनाई पड़ता था सब लोग भाग दौड़ के इधर उधर जाके अपनी पोजीशन ले लेते थे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज नहीं। राज साहब अगर भारतेंदु नाट्य अकादमी की आत्मा थे तो हेमेंद्र भाटिया साहब उसके बैकबोन थे। ज्यादातर हम लोगों का समय जो है भाटिया साहब के साथ गुजरता था, वो चीजों को ज्यादा बताते थे, जितना भी बैक स्टेज, स्टेज क्राफ्ट की चीजें, लाइट, साउंड, सेट डिजाइनिंग, मेकअप, कॉस्ट्यूम, लाइट, मतलब हर चीज पे वो बैठ के बात करते थे, बाहर की भी बात करते थे, प्रैक्टिकल बात करते थे, किसी नाटक की कोई नाटक है उस पर बात करते थे, हर तरह की बात होती थी। धीरे धीरे जिससे आप खुलना शुरू होते हैं, थिएटर से आपका परिचय होता है। इसी बीच हम लोग नाटक देखने के लिए रविंद्रालय में जाते थे, नाटक देखते थे, फिर घर जाते थे, फिर सुबह आ जाते थे। और उस समय जो हम लोग हमारी क्लास लेने के लिए लोग आते थे, म्यूजिक टीचर आती थी, कमला जी होती थी, कमला चौहान जी, योग के लिए पुनीत अस्थाना जी आते थे, और जो हमारे फैकल्टी में गेस्ट फैकल्टी के रूप में आए, उस समय केदारनाथ साहू जी थे, छाऊ के लिए आए, नौटंकी के लिए गिरिराज जी आए थे उस समय, उन्होंने सत्यवान सावित्री नौटंकी भी हम लोगों के साथ की थी। लेकिन जब पहले दिन परिचय हुआ था वहां पर, तो लोगों से पूछा गया जो हमारे साथ के लोग थे कि आप क्या करना चाहते हैं थिएटर में, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, बैक स्टेज में जाना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, बैक स्टेज में कोई जाना नहीं चाहता है, ज्यादातर लोग डायरेक्टर और एक्टर बनना चाहते हैं। तो वही मेरे ग्रुप ने भी वही कहा ज्यादातर लोगों ने कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, उसमें दिनेश खन्ना भी एक थे, और मेरे बैच में जो लोग थे उसमें दिनेश खन्ना, विनय सिंह, करण थी वो, एक कलाकरण लड़की थी, विनय पांडे, नवीन कुमार, एक अमरेंद्र सहाय, ये लोग मेरे साथ थे उस बैच में। तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हम एक्टिंग में जाना चाहते हैं, दिनेश खन्ना थे, और एक किसी शायद किसी और ने कहा था कि मैं डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। मैं इकलौता था जिसने कहा था कि मैं बैक स्टेज में जाना चाहता हूँ, मैं स्टेज लाइटिंग वगैरह सीखना चाहता हूँ। तो सब लोग हंस पड़े थे, बाद में लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया था कि ये इलेक्ट्रीशियन बनने आया है, लोग यहाँ पर एक्टर बनने आए हैं, डायरेक्टर बनने आए हैं, ये इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता। लेकिन मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। बाद में लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि तुम एक्टिंग क्यों नहीं सीखना चाहते, एक्टर क्यों नहीं बनना चाहते हो। तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए एक्टिंग तो मेरे खून में है, बाकी जो मैं देखूंगा, जो लोग डायरेक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे, उनको देख के मैं सीखना चाहूंगा,
ये टेक्निकल चीजें मुझे नहीं आती हैं, मैं इसको सीखना चाहता हूँ जिससे कम से कम इसमें मैं मजबूत हो जाऊं। तो जो भी नाटक उसके बाद होता था उसमें लाइट का काम मुझे दे दिया जाता था कि भाटिया साहब अगर लाइट डिजाइन कर रहे हैं तो उनको बाकायदा मैं असिस्ट करता था। भाटिया साहब ने मुझे लाइट में काफी कुछ सिखाया। उस समय ये हेलोजन बल्ब वगैरह नहीं आते थे, ना एलईडी बल्ब आते थे, ट्यूबलर बल्ब होते थे, किसका फिलामेंट सामने होना चाहिए, होल्डर कैसा होता है, तो और जो डिमर भी आते थे वो रिहोस्टेड आते थे या गियर सिस्टम वाले आते थे। ये जो आज पैनल आते हैं कि एक पे आप 40 45 48 आप एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं, मास्टर होता है उसको ऑफ कर दीजिए, ऐसा नहीं होता था। 10-15 डिमर लगते थे, अगर फेड आउट होना है तो आपको 5 मिनट पहले से तैयार होना पड़ता था कि लास्ट में कौन सा फेड आउट हम रखेंगे, किस स्पॉट में आने पे एक्टर को हम यहाँ पर फेड आउट करेंगे, तो धीरे धीरे फेड आउट होता। ये सब भाटिया साहब ने मुझे बड़े अच्छे ढंग से सिखाया, पैचिंग कैसे की जाती है, डिमर खोल के एक एक चीज उन्होंने बताया, लाइट का कनेक्शन कैसे किया जाता है, तार को लाना जोड़ना, आजकल ये सब बड़ा आसान हो गया है। वहीं पर स्टेज के बगल में डिमर में कनेक्शन करके सिर्फ एक तार आता है, आपको लाकर कंट्रोल रूम में दे देते हैं, आप आराम से ऑपरेट कीजिए। पहले ऐसा नहीं होता था, सारे के सारे तार आते थे आपके कंट्रोल रूम में। अगर रविंद्रालय वगैरह में लाइट्स टंगी हुई थी तो जब भी भारतेंदु का शो होता था काफी लाइट्स लगाई जाती थी, वहां पर टांगी जाती थी। तो मैं होता था, एक दो कोई और होते थे, भाटिया साहब तो होते ही थे, रात भर हम लोग लाइट लगाते थे, कनेक्शन करते थे, पैचिंग करते थे, उनको एक एक की पोजिशनिंग करना, अगर फिल्टर डालना है, कलर डालना है, ये सब करके सब पूरा तैयार करते थे रात भर। फिर वहीं चार बाग में महाराजा होटल से खाना वगैरह आता था, वहीं स्टेज पे बैठ के हम लोग खाना खाते थे, फिर वहीं स्टेज पे सो जाते थे, सुबह लोगों के आने से पहले चले जाते थे कि अब हम लोग तैयार होके फिर से आएंगे। तो इस तरह मैंने काम करना शुरू किया लाइट में। बाद में अरुण त्रिवेदी का भी इसमें इंटरेस्ट बढ़ा कि मैं भी लाइट का काम सीखना चाहता हूँ, तो आकर मुझसे अक्सर कहा करते थे कि जेपी इस बार तुम मना कर दो कि तुम लाइट नहीं करोगे तो मुझे लाइट सीखने का मौका मिल जाएगा, मैं भाटिया साहब के साथ लाइट कर लूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, लाइट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पर्दे के पीछे रहकर, मेकअप है, कॉस्ट्यूम है, सेट डिजाइनिंग है, लाइट डिजाइनिंग है, इन सबको अच्छे ढंग से सीखता रहा, खूब मैंने सीखा। जो क्लासेस हमारी हुई, सबसे पहले मुझे याद है शो करने के लिए आए थे अरुण मुखर्जी साहब, उन्होंने प्ले किया था मारिच संवाद, हालांकि उसमें लाइट का काम ना देके मुझे कोरस में डाल दिया था, बीच में जाके विंग में खड़े होके वो लाइट का कलर चेंज करना पड़ता था सीन में, क्योंकि जिन लोगों ने बंगला थिएटर देखा है उन्होंने देखा होगा कि इनके दो लाइट लगा के उसे कलर चेंज करके पूरा नाटक ऊपर डालते हैं, तो वही इन्होंने रविंद्रालय में भी किया था। बीच में जाके विंग में एक तरफ हमें जो है वो पता था कि किस सीन में कौन सा कलर जाएगा कब, तो वो मुझे चेंज करना पड़ता था। आधे अधूरे में जब भी सिंघानिया की एंट्री होती थी, जगमोहन की एंट्री होती थी, तो उसमें एक डिमर भाटिया साहब ने मुझे दे रखा था। ये नाटक होता था रविंद्रालय, मिनी रविंद्रालय में, तो उसमें एंट्रेंस की तरफ से निकलकर या कंट्रोल रूम से जाके ऑडियंस में से एंट्री होती थी, तो मात्र एक डिमर मुझे मिला था उसमें ऑपरेट करने के लिए, तो वो मैं करता था उसमें। फिर भाटिया साहब ने खामोश अदालत जारी है किया था, उसमें भी मैं था, असिस्ट करता था लाइटिंग के लिए। और भी नाटक हुए, सत्यवान सावित्री हुआ था, तो उसमें तो मैं दर्शक था, कुछ नहीं कर रहा था, बलश्याम गायकी में थे, सत्यवान बने थे, सावित्री का मंजरी शंकर जी करती थी, बहुत अच्छी नौटंकी हुई थी। उसमें गिरिराज जी खुद यमराज को रोल करते थे, तो क्योंकि नौटंकी से पुराना लगाव था तो मैं बड़े चाव से वो देखता था, उसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। ये रविंद्रालय में हुआ था और आज भी मुझे याद है जब पहला शो हुआ था और गिरिराज जी एंट्री उन्होंने ली थी,
टॉप सेंटर में थे वो, और एक ऊपर से टॉप से लाइट दी गई थी कि यमराज जी ऊपर से उतरे हुए हैं। तो यमराज का सीन शुरू होते ही ऑडिटोरियम में क्लैपिंग शुरू हो गई थी, क्लैपिंग हो गई थी कि इतने बड़े आर्टिस्ट और ये स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, यमराज का रोल कर रहे हैं, आज इनकी गायकी सुनने को मिलेगी, इनको एक्ट करते हुए देखने को मिलेगा, तो लोग एक्साइट होकर इसलिए क्लैपिंग की थी। तो लेकिन गिरिराज साहब थोड़ा सा घबरा गए थे, बाद में आके कह रहे थे यार ताली सुनते ही तो मैं घबरा गया, मुझे लगा मेरी कहीं धोती तो नहीं खुली रह गई है। तो बड़े सीधे सिंपल आदमी थे वो, लेकिन बहुत अच्छी नौटंकी हुई थी। और राज साहब ने बहुत अच्छा डिजाइन भी किया था, उसने पेड़ ओड़ का जो सीन बनाया था। ये हुआ था सूर्यमोहन जी ने तुगलक नाटक किया था, मुद्रा राक्षस जी ने पगला घोड़ा नाटक किया था, काफी अच्छे नाटक हुए थे। पगला घोड़ा में मुझे भी रोल मिला था सातु का, लेकिन बहुत अच्छी उसमें याद है हमारी। पगला घोड़ा नाटक में अगर 10 पेज आगे जाते थे फिर 5 पेज पीछे आ जाते थे, नाटक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और मुद्रा जी ने उसमें कास्टिंग भी हर करेक्टर की दो दो कर रखी थी, सातु का दो, हिमाद्री का दो, कार्तिक, इस तरह करके हर रोल दो। 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया, नाटक खत्म ही नहीं हो रहा। अंत में जाके किसी तरह से नाटक खत्म हुआ। हम लोग तो मतलब किसी से नजर नहीं मिला पा रहे थे, ये क्या नाटक हुआ है, शर्म के मारे सब बिल्कुल धंसे जा रहे थे। खैर वहां से निकले, केमू साहब भी आए थे वहां पर पढ़ाने के लिए, एक्टिंग के लिए अनुपम खेर साहब आए थे 1 हफ्ते के लिए, वो चले गए थे। उस समय सारांश फिल्म उनकी थी, तो सारांश फिल्म की शूटिंग करके बस 1 हफ्ते के लिए एक्टिंग के लिए वो आए थे, 1 हफ्ते उन्होंने समय दिया था। तो फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी आई, पढ़ाया गया। और राज साहब तो वैसे भी पढ़ाने के लिए वेस्टर्न थिएटर वगैरह पढ़ाने के लिए जब बैठते थे तो 4-4, 5-5 घंटे निकल जाते थे, पता ही नहीं लगता था। शाम हो जाती थी, अंधेरा हो गया, तब हम लोगों को पता लगता था कि अरे 4-5 घंटे निकल गए। वो चुनांचे चुनांचे कह के 4 घंटे निकाल देते थे। पहले दिन तो लोग बड़े आराम से जाके आगे बैठते थे, हम अच्छे स्टूडेंट थे, बिल्कुल फ्रंट में बैठते थे। लेकिन पहले दिन जब 4 घंटे 5 घंटे रगड़ा जाता था तो दूसरे दिन धीरे से पीछे खिसक आते थे, फिर देखते थे कोई सपोर्ट है बैठने के लिए, किसी दीवार का सहारा है, उस सहारे से बैठा जाए। अच्छा, काफी लोग तो ऐसे थे, इतने एक्सपर्ट थे, इतने अच्छे एक्टर बन गए थे कि खुली आंखों से सो जाते थे। वो चल रहा है, उनको देख रहे हैं और सो रहे हैं आराम से। अब कुछ लोग तो लिखने का बहाना लेके कि कुछ नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नीचे मुंह करके मुंह चलाते हुए धीरे 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 वो सो जाते थे वहीं पर। लेकिन जो भी क्लासेस थी, आज आके पता लगता है कि राज साहब ने जो कुछ पढ़ाया या वहां पर जो कुछ सीखा, मेरे लिए तो वो पहला कदम था, दूसरा कदम भी वही, तीसरा चौथा, सारे कदम वही सीखने के। क्योंकि उसके पहले थिएटर का टीम मुझे एक तरह से नहीं आता था, वहीं आके मैंने जानना शुरू किया थिएटर क्या होता है। और राज साहब चाहे वेस्टर्न ड्रामा पढ़ा रहे हैं, चाहे फोक पे कभी क्लास ले रहे हैं, या जनरल शेक्सपियरियन थिएटर के ऊपर बात कर रहे हैं, ग्रीक थिएटर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज भी एक चीज मैं गारंटी से कह सकता हूं कि राज साहब जैसा टीचर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जैसे यहाँ दिल्ली में जॉय माइकल जी थी, अब तो नहीं है, टीचर भी अच्छी थी, डायरेक्टर भी अच्छी। अलका जी साहब डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, बताते थे, वैसे वो पेंटर बहुत अच्छे थे। और जो भी प्लेज मैंने राज साहब के देखे हैं, चाहे जूलियस सीजर बाद में दिल्ली में लेके आए थे, सुकरात, सुकरात तो लोगों के लिए एक शोध का नाटक है जिस पर शोध किया जाना चाहिए। आप उसकी ब्लॉकिंग देख लीजिए, आप उसकी डिजाइनिंग देख लीजिए, आप उसमें अभिनय देख लीजिए, कुछ तो एक लोग मान के चलते हैं। बस एक सीन की मैं बात करूंगा कि
सुकरात में ज्यादातर जो डायरेक्टर होते हैं, अगर कोई नाटक में राजा है तो उसको लाके सेंटर पे किसी कुर्सी उर्सी रख के ऊंची जगह पे बिठा देंगे कि राजा है। लेकिन सुकरात में आप देखिए, उन्होंने जो जज है, जो राजा टाइप का है, जो निर्णय देने वाला है, उसको डाउन राइट साइड में लाके बिठाते हैं और लगभग उसकी पीठ होती है ऑडियंस की तरफ, और जो बाकी लोग हैं वो फ्रंट में है, कोई अप सेंटर में है, कोई लेफ्ट स्टेज पे है। ऐसी डिजाइनिंग बाद में दिल्ली में वो इसमर भी हुआ था, भारंगम में भी हुआ था नाटक, बहुत अच्छी डिजाइनिंग। राज साहब की लाइट डिजाइनिंग देख लीजिए, जो कलर की मिक्सिंग है, बहुत वो मतलब इस तरह के डिजाइनर, इस तरह के डायरेक्टर अगर आप देखा जाए तो हिंदुस्तान में शायद सबसे सीनियर डायरेक्टर राज साहब है, जो आज भी थिएटर कर रहे हैं। और अभी पिछले साल ही शायद उन्होंने शोभना जी को लेकर, डॉक्टर रानी रस्तोगी जी को लेकर एक नया नाटक किया था, और मैंने सुना कि बहुत अच्छा नाटक हुआ था। शोभना जी बता रही थी कि बहुत अच्छा प्ले हुआ। अभी भी एक्टिव है, अभी भी वो समय मिलते ही नाटक शुरू कर देते हैं, नाटक की तैयारी करते हैं। वो कैसे हैं, हालांकि कुछ उनकी चीजें हैं बाल स्वभाव जैसी हैं, बच्चों जैसी हैं, कुछ हैं उनके अंदर थोड़ी सी जिसको हम कह सकते हैं कि ईगो प्रॉब्लम भी है। अंग्रेजी बोलने वालों को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम जैसे जो लोग होते हैं, गांव से आए हैं, इनको अंग्रेजी हिंदी भी नहीं ठीक से आती है, तो उनसे वो ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते। वो जल्दी उसको हॉलीवुड का एक्टर बना देते हैं और हम लोग बैक बेंचर्स हो जाते हैं। जरा सा नाराज हुए, जाओ हम तुमसे नहीं बोलते, कुट्टा। इस तरह की भी आदत है, नाराज हो जाएंगे 1 मिनट में, बोलेंगे ही नहीं आपसे। आप मिलने के लिए उनसे जाइए, आप योगी जी से मिल सकते हैं, उनसे जल्दी नहीं मिल सकते, आपको समय ही नहीं देंगे मिलने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आज भी कहता हूं, कुछ चीजों का मैं कायल हूं। थोड़ा बहुत इधर उधर मतभेद हो सकता है, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, भारतीय तो नाट्य अकादमी यूपी के लिए, लखनऊ के लिए एक गौरव है, और राज साहब यूपी के लिए, लखनऊ के लिए एक गौरव है। कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आ जाते हैं भारतीय नाट्य अकादमी में एडमिशन लेते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश का ड्रामा स्कूल तो अब खुला हुआ, उसके पहले देखा जाए तो एनएसडी था या भारतीय नाट्य अकादमी। हर जगह से लोग आते थे, बिहार से आते थे, पंजाब से आते थे, गुजरात से आ रहे, कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आते थे। अगर 40 साल का हिसाब लगाया जाए तो 40 साल में कम से कम 550 600 के आसपास यहाँ से स्टूडेंट्स निकल चुके होंगे। एक चीज करना चाहिए एक भारतीय नाट्य अकादमी को, क्या इस 40 साल में 40 स्टूडेंट्स भी आपके ऐसे नहीं निकले हैं जो आके वहां पर क्लास ले सकें, जो वहां आकर ट्रेनिंग दे सकें, जो आकर वहां पर प्ले डायरेक्ट कर सकें। तो आप उनको मान्यता दीजिए ना, आप अपने स्टूडेंट्स को मान्यता दीजिए। बाहर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छे। लखनऊ में ही देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं, बॉम्बे में काम कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली में लोग काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को पहचानिए। अब यहाँ भारत रंग महोत्सव होता है, क्या आप एक भारतेंदु रंग महोत्सव नहीं शुरू कर सकते हैं? अगर आपके 40-50 भी स्टूडेंट्स हैं जो थिएटर अभी भी कर रहे हैं, उनको बुलाकर कि हर साल 5 स्टूडेंट्स को बुला लीजिए, उनका एक ड्रामा फेस्टिवल कीजिए, अगले साल दूसरे 5 लोगों को बुला लीजिए, उनका कोई प्ले कीजिए। आपके पास ऑडिटोरियम है, दो दो ऑडिटोरियम है, आपके पास जगह है। पहले हमारे पास एक कमरा होता था, विक्रमादित्य मार्ग से हम लोग महानगर में आए, महानगर में 2 कमरे हो गए, और उसके बाद जब मैं निकला तो लगभग 14 साल तक तो मैं भारतीय नाटक अकादमी गया ही नहीं। मुझे पता नहीं वहां पर क्या हुआ, कैसा हुआ, कहाँ गया। हाँ अब जरूर पता है कि गोमती नगर में वहां पर भारतीय नाटक अकादमी है, जहां पर ऑडिटोरियम है, एक नहीं दो दो तीन तीन ऑडिटोरियम है, जगह है, लाइब्रेरी है, इतना बड़ा बाहर की जगह है, ओपन स्टेज बना के आप नाटक कर सकते हैं, बहुत सुविधाएं हैं, ग्रांट भी आपके बढ़ गई, पहले उतना संसाधन नहीं था। तो कैसे भारतीय नाटक अकादमी को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए भी लोगों को वहां सोचना चाहिए, क्योंकि भारतीय नाटक अकादमी ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। आज भी अगर वहां कुछ होता है, गड़बड़ होता है, तो हम लोगों को बुरा लगता है, यार ये क्या हो रहा है।
एक पासवर्ड के लिए ये सब हो रहा है, टीचर नहीं आ रहे हैं पढ़ाने के लिए उसके लिए ये सब हो रहा है, तो ये बुरा लगता है। चाहे आप तो उसका नाम कहाँ ले जा सकते हैं, बहुत ऊपर जा सकता है। जितने भी आपके स्टूडेंट्स निकले हैं सब एम्बेसडर हैं, बाहर जाके आपका नाम कर रहे हैं। भारतीय नाटक अकादमी हमारे समय में तो दूसरा ग्रुप था, दूसरा ही बैच था, कौन जानता था। लेकिन आज लोग भारतीय नाटक अकादमी को जानते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को जानते हैं, उनके काम को जानते हैं। मैं जब निकला तो जितने भी हमारे साथ एक्टर डायरेक्टर थे निकले, बाहर निकलते सब बेरोजगार, किसी के पास कोई काम ही नहीं। मैं एक ऐसा आदमी था जिसको लाइटिंग के लिए बुलाया जाने लगा, और पहली बार लाइटिंग के लिए मुझे दर्पण ने बुलाया। उनका बुर्ज नाटक हो रहा था, आलोपी वर्मा जी उसको डायरेक्ट कर रहे थे। उस नाटक में लाइट करने के लिए, लाइट डिजाइन करने के लिए मुझे बुलाया, और अभी मैं निकला ही था तो कहीं ना कहीं मैं डर भी रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी का प्यार था, उन्होंने काफी सपोर्ट दिया और मैंने किया। रविंद्रालय में नाटक हुआ, बहुत अच्छा नाटक हुआ, फिर रिपीट शो हुआ। आज भी मुझे याद है पहले शो के लिए जो मुझे फीस मिली थी, चेक मिला था 50 रुपए का, नहीं पहले 75 रुपए का मिला था। जब रिपीट शो हुआ तो उसका, क्योंकि रिपीट शो है इसलिए 75 रुपए का चेक कर दिया गया था। बहुत दिनों तक तो मैंने वो चेक जमा ही नहीं किया था कि ये मेरी पहली कमाई है, पहली बार मैंने थिएटर से कमाया था। उसके बाद तो कितने नाटक होते थे जिसमें लाइट के लिए आधे अधूरे किया। सूर्यमोहन कुलशेष जी ने, विमल बनर्जी, शोभना जगदीश जी करती थी मेरे रविंद्रालय में, 6-6 शो लगातार हुए उसमें मैंने लाइटिंग की। मंत्रिमंडल नाटक हुआ था यायावर से, उसमें मैंने लाइटिंग की। प्रेम पियाला किया, पहले लखनऊ में लाइट करने के लिए पीर गुलाम साहब आया करते थे कानपुर से, लेकिन जब मैंने ये, मतलब बहुत घमंड की बात नहीं है, शायद लाइट अच्छा करने लगा था इसलिए पीर गुलाम साहब का मैंने लखनऊ आना बंद कर दिया था। फिर हर बड़े नाटक में, हर अच्छे नाटक में लाइट डिजाइन मैं करता था, करता गया। लेकिन एक लाइट डिजाइन करने के बाद दूसरे के लिए मुझे टेंशन होने लगती थी, जैसे ही दूसरा नाटक मुझे मिलता था कि अब इसमें क्या करना है, क्या नया करना है, कैसे करना है। तो मैं लगा रहता था, कुछ कुछ करता था, एक्सपेरिमेंट करता था, निकल के गया था, ताजा ताजा सब कुछ था, नया जोश था। उस समय वहां पर थिएटर किया, उसके बाद मेरी भूमि थी बहराइच, जहां से मैंने शिक्षा ली थी, ग्रेजुएशन किया था, तो वहां जाकर मैंने थिएटर शुरू किया बहराइच में। बहराइच में डिग्री कॉलेज किसान महाविद्यालय जो है, आज भी जो वहां स्टेज बना हुआ है वो मेरा बनवाया हुआ है। स्टेज, पर्दा, ये सब मैंने बनवाया था वहां पर, थोड़ा बहुत फर्नीचर भी, क्योंकि प्रिंसिपल मेरे ताऊ जी थे तो जो भी मैं चाहता था करा लेता था, रिहर्सल के लिए जगह मिल जाती थी। तो कई नाटकों में वहां पर मैंने कॉलेज के लिए भी किया, जो यूनिवर्सिटी के कंपटीशन में किया है और अवार्ड फर्स्ट प्राइज भी जीत कर लाया है। एक बार तो भारतीय नाटक अकादमी के 2 लोग कंपटीशन में आ गए थे, गोंडा से आए थे गौतम सिद्धार्थ और बहराइच से मैं गया था, वो लाए थे शुतुरमुर्ग और मैंने किया था एक और द्रोणाचार्य, प्राइज मैंने जीत लिया था। क्योंकि नाटक में उसमें तमाम तामझाम था, एक और द्रोणाचार्य में शुतुरमुर्ग पॉलिटिकल सटायर प्ले था और सीधा सीधा नाटक था, हालांकि बहुत अच्छा नाटक है, शायद लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो कई अवार्ड्स मुझे मिल गए थे, सेकंड जो है शुतुरमुर्ग को मिला था, इसी तरह आधे अधूरे को भी अवार्ड मिला था। तो बहराइच में मैंने अभिनव नाट्य मंडल एक ग्रुप बनाया था, जिसमें बाद में 1-2 लड़के आए थे भारतीय नाटक अकादमी में एडमिशन लेने, उसमें एक सुरेश काला भी थे, जिन्होंने वहां मेरे नाटक में आधे अधूरे में अशोक का रोल किया था। पहली बार मुझे याद है कि मैं आधे अधूरे नाटक कर रहा था तो वहां पर डीएम थे ओम प्रकाश जी, उनको मैंने इनवाइट किया था कॉलेज में इनॉग्रेशन के लिए, तो पूरा नाटक खैर वो देख के गए, और लास्ट में जब आए, नाटक खत्म हुआ तो मंच पर आके उन्होंने 2 शब्द भी कहे, और उनका कहना था कि मैं तो आया था कि मणिदीप जलाऊंगा, 2 शब्द बोलूंगा, एक सीन कोई देखकर बस चला जाऊंगा, कहीं जाना है। लेकिन कह रहे थे कि नाटक इतना अच्छा था, इतना बांध दिया शुरू में उसने, कि मैं पूरा नाटक देखने के लिए मजबूर हो गया और मैंने पूरा नाटक देखा, खुश हो गए।
क्योंकि डीएम थे, मैं पहुंच गया उनके पास कि सर ये मेरा ग्रुप है, आप इसके संरक्षक बन जाइए। तो क्योंकि मेरा काम उन्होंने देख लिया था, परिचय भी दे दिया था मैंने कि इस तरह से हम थिएटर ही कर रहे हैं, और ताऊ जी के वजह से भी परिचय हो गया था कि उनके भतीजे हैं। खैर वो मान गए। उनको संरक्षक बनाने का मुझे एक फायदा ये हुआ कि वहां का नगर निगम का एक हॉल था, उन्होंने मुझे दे दिया और वहां पर लोगों से कह दिया कि ये जेपी सिंह जब भी कोई नाटक करना चाहें, शो करना चाहें, ये इनको दे दीजिएगा। तो बहुत बड़ा हॉल था, उसमें जाके हम फंदी है और भी नाटक है रिहर्सल कर रहे हैं, स्टेज लगा के, सेट लगा के वहां पर शो कर रहे हैं। लेकिन बाद में कुछ दिक्कत आई, एक नाटक हम लोगों ने एक था गधा तैयार किया था उर्फ अलादात खां बहराइच में करने के लिए, तो बारिश के दिन थे और वो नगर निगम का ऑडिटोरियम हॉल खाली नहीं था, रेनोवेशन जो चल रहा था उसका। तो जाकर मैंने बात की डीएम साहब से कि हमें नाटक करना है, ये नाटक हमारा तैयार है, बरसात हो रही, कहीं बाहर नहीं कर सकते। तो उन्होंने उस समय लॉयंस क्लब को फोन किया कि ये नाटक तैयार किया है बच्चों ने, बहुत अच्छा नाटक है, आप इसको कराइए शरद जोशी जी का। तो ऑडिटोरियम तो होता नहीं था, तो जो पिक्चर हॉल होते थे, पिक्चर हॉल में 12 बजे का जो शो होता था, उस शो के पहले वो नाटक के लिए अगर आपकी जान पहचान है तो दे दिया करते थे। तो लायंस क्लब वालों ने, एक पिक्चर हॉल वहां बहराइच में था, उसको उन्होंने ले लिया, एक था गधा नाटक करने के लिए। अच्छा, लायंस क्लब रोटरी क्लब में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ज्यादातर सेठ महाजन लोग होते हैं उसमें, बिजनेसमैन। सुबह के समय नाटक शुरू हुआ, मैं उसमें नवाब कर रहा था और हमारे मित्र विनय सिंह जो हमारे बैच में थे वो कोतवाल का रोल कर रहे थे। अब मैं देख रहा हूं कि नाटक शुरू हो गया है, लेकिन ये जो वहां पर लाला लोग थे, जैसे ही कोई बड़ा सेठ आता, अरे आइए लाला जी, आइए 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 आइए, यहाँ बैठिए, अरे यहाँ बैठिए, यहाँ है कुर्सी लीजिए, ये लीजिए, अरे भाई इनको बैठाइए। मतलब इतना शोर शराबा हो रहा था कि मैं स्टेज पे बैठा बैठा या स्टेज के पीछे खींच रहा था। एक मेरा ही सीन चल रहा था, अचानक मैंने नाटक रोक दिया, लोगों से कहा रुक जाइए, अभी यहीं से नाटक फिर आगे शुरू करेंगे। मैंने ऑडियंस से कहा कैसा है कि एक समय में एक नाटक हो सकता है, या तो आप नाटक कर लीजिए या तो मैं नाटक कर लूं। अगर आप लोग इतना बोलेंगे, इतना शोर मचाएंगे, तो हम बिना माइक के कितना जोर से बोलेंगे कि आपको सुनाई दे, इस तरह तो नाटक नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे संरक्षक जो अध्यक्ष थे, डीएम साहब आगे बैठे हुए थे, तो वो खड़े हो गए। तो उन्होंने लोगों से कहा कि भाई आप अपनी पीआरओशिप ये मिलना जुलना बाद में कर लीजिएगा, चाय पानी के लिए फिर कोई प्रोग्राम रख लीजिएगा, अभी नाटक तो हो जाने दीजिए। उन्होंने उनको चुप कराया, फिर बोला कि हाँ मिस्टर सिंह शुरू कीजिए। खैर वो नाटक हुआ। इस तरह से मेरे नाटकों में कई बार अवरोध आता रहता है, अवरोध आता रहा है, अभी भी आता है। पहली बार बारिश हुआ, फिर ये हुआ, फिर दिल्ली में एक नाटक कर रहे थे, शो के दिन ही एक एक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं हम शो आज नहीं कर पाएंगे। खैर बेसमेंट में शो होना था, तो मैंने उस नाटक की जगह दूसरा नाटक उसी दिन किया। फिर एक दिन एक शो हो रहा था जिसमें मेरा आर्टिस्ट मेकअप किट लेकर नहीं आ पाया। इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं नाटक में, ये होता रहता है, ये सबके साथ होता है, ऐसी कोई बात नहीं। खैर बहराइच में शो करने के बाद, थिएटर करने के बाद, अच्छा बहराइच में भी करता था, गोंडा में भी करता था, फैजाबाद में भी करता था। गोंडा के रहने वाले हमारे मित्र विनय सिंह थे, जब वो गोंडा में शो करते थे तो मैं गोंडा चला जाता था, मैं बहराइच में करता था तो वो बहराइच आ जाते थे। फिर फैजाबाद में भी जान पहचान के लोग थे तो फैजाबाद में भी जाकर एक दो नाटक करके आए हैं। फिर मैं आ गया लखनऊ में, लखनऊ में दूरदर्शन में उस समय मेरा सिलेक्शन हो गया प्रस्तुति सहायक आकस्मिक कैजुअल प्रोडक्शन असिस्टेंट। न्यूज में भी मैंने काम किया, ड्रामा सेक्शन में भी काम किया, और भी 2-3 महीना तो मुझे याद है, एक साहब थे शायर टाइप के थे, प्रोड्यूसर थे, उनकी एक बड़ी अच्छी आदत थी, साहित्यिक आदमी थे, प्रोग्राम करते जाते थे वो, लेकिन किसी का पेमेंट नहीं कराते थे।
फिर अगला प्रोग्राम शुरू कर देते थे, अगली की प्लानिंग शुरू कर देते थे। तो जैसे ही मैं पहुंचा और मेरे साथ एक दो लोग जो थे, हम लोगों की ड्यूटी लग गई कि पिछले एक साल से पेमेंट नहीं हुआ है, इनका जो है प्रपोजल तुम लोग पुटअप कराओ, सैंक्शन कराओ और उसका पेमेंट कराओ। खैर, ये बाबू वाला काम जो है हम लोगों को मिल गया था। तो जितने भी आर्टिस्ट थे, तो हम लोगों के दिल में बस ये थे, अच्छा वो आर्टिस्ट आते भी थे, मिलते भी थे कि भैया इतने प्रोग्राम कर चुके हैं, एक साल हो गया अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। तो खैर, हम लोगों ने बनाना शुरू किया कि आर्टिस्ट हैं, पेमेंट हो जाए तो अच्छा है। एक साल में जितने भी आर्टिस्ट थे, सबका प्रपोजल बना बना के, सबसे फोन पे बात करके, उनका डिटेल लेके, सब कुछ बना के उन लोगों को पेमेंट करा दिया। उसके बाद कई लोगों के साथ काम किया, कमलनी जी थी उस समय, कुबेर दत्त जी थे, नाटक सेक्शन में अशरफ साहब थे, अशरफ भाई थे, उनके साथ काम किया। और मिनी त्रिपाठी जी थी, निमी त्रिपाठी जी, उनके साथ ड्रामा सेक्शन में काम किया। तो वहां भी ये सब चल ही रहा था कि एक दिन फोन पर बात हुई मुकेश नथानी से, जो मेरे जस्ट बाद बैच में थे, कि श्रीराम सेंटर में यहाँ पर लाइट डिजाइनर चाहिए इनको, और एक जो ऑडिटोरियम इंचार्ज का भी काम देख सके, तो आप आ सकते हैं। उस समय वहाँ के डायरेक्टर राजेंद्र नाथ जी थे, उन्होंने नाम मुकेश नथानी ने ही सजेस्ट किया था। मुकेश नथानी, मीना नथानी, ये लोग सब उस समय रिपर्टरी में थे वहाँ श्रीराम सेंटर के। मैंने कहा क्यों नहीं, काम मिलेगा जरूर जाएंगे, वो भी दिल्ली में। एक जगह जाइए तो चार दरवाजे और खुलते हैं। मैंने उनसे हाँ कर दिया, लेकिन अंदर से डर भी था कि एक अनजान शहर, पता नहीं क्या होगा, न रहने का ठिकाना न कुछ। खैर, मुझे याद है वो डेट 31 मार्च 1987 को लखनऊ मेल से मैं निकला, दिल्ली आ गया। दूसरे दिन था 1 अप्रैल। अंदर से डर भी रहा था कहीं आज मेरे साथ 1 अप्रैल न हो जाए। खैर, श्रीराम सेंटर में ही सीधे पहुंचा, वहां पर इंटरव्यू हुआ, राजेंद्र नाथ जी ने बात की और कहा कि ठीक है तुम काम शुरू कर दो, काम करो। और उन्होंने मेरी तनख्वाह 750 रुपए कि आपको 750 रुपए मिलेंगे, इससे थोड़ा कम ही हमें मिलता था लखनऊ में। मैंने कहा चलो, एक नई जगह आए हैं, कुछ अनुभव होगा, कुछ एक्सपीरियंस बढ़ेगा, करते हैं काम। तो इन्हीं लोगों ने, जो साथ के लोग थे, बीएनए के लोग थे, कई लोग थे उसमें, रमेश और दीपेंद्र, मीना, मुकेश, तो मंडावली में जगह थी, मंडावली में उन लोगों ने मेरे लिए एक कमरा ले लिया था। मैं सपत्नी वहां पहुंच गया, 250 रुपए का कमरा था, उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी, और गर्मी आ गई, उसमें ना पंखा था ना कुछ था, बड़ा बुरा हाल। खैर, काम करना शुरू किया, 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड था। उसके बाद उन्होंने तनख्वाह बढ़ा के 750 से 900 रुपए कर, बहुत ज्यादा तनख्वाह बढ़ा दी। खैर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो बढ़ा। श्रीराम में जाने से ये फायदा हुआ कि वहां काफी लोगों से मेरी जान पहचान हुई। ऑडिटोरियम की बुकिंग मैं करता था, मेन ऑडिटोरियम, बेसमेंट की बुकिंग, शाम को शो देखता था, ज्यादा से ज्यादा शो। पहली बार देखा किस तरह से पपेट शो हो रहा है, पपेट शो वहाँ पे रोज सैटरडे संडे में सुबह होता था, और सैटरडे संडे को तो लगभग हर इवनिंग में श्रीराम का अपना शो हुआ करता था। अच्छा, जो वहाँ मेरे अंडर में थे, गिरधारी लाल जी, सुरेश अरोड़ा जी, वो बहुत सीनियर लोग थे। गिरधारी लाल जी बहुत अच्छे लाइट डिजाइनर थे, उनकी कलर मिक्सिंग, लाइट ऑपरेशन बहुत अच्छा था। लेकिन ये सीनियर लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू किया, ये नया नया लड़का आया है, पता नहीं इसको कुछ आता जाता भी है कि ऐसे आ गया, और इससे इसको तनख्वाह भी हम लोगों से ज्यादा दे रहे हैं। तो ये लोग बीच बीच में मेरा इम्तहान लेते थे, कुछ न कुछ ऐसा कर देते थे। एक नाटक हुआ कि चलिए आप इसकी लाइट डिजाइन करो, वैसे तो गिरधारी लाल ही करते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, लाइट डिजाइन कर देंगे। ये विजयश्री जी आई थी, माया जाल नाटक किया था, विजय दान देता जी की कहानी थी, उसमें मैंने
लाइट डिजाइन की, लाइट डिजाइन ठीक ठाक हो गई, अच्छी हो गई। एक दिन उसका शो था एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में। दोपहर के सारे आर्टिस्ट को जाना था। प्ले था अच्छे आदमी, उसमें लाइट करते थे गिरधारी लाल जी। और दोपहर को ही गिरधारी लाल जी का फोन आता है कि आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, मैं आ नहीं पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मत आइए। अच्छा, श्रीराम में होता ये था कि कोई प्ले है, अगर आप उसकी लाइट डिजाइन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके क्यूज वगैरह सब लिख दीजिए, उसमें सारा डिटेल लिख दीजिए, कहाँ पर स्पेशल इफेक्ट है, कहाँ पे स्पॉट है, सब कुछ होता था। लाइट डिजाइन होती थी, पूरा उसका चार्ट होता था, लेआउट होता था, और उसका शो भी मैं देख चुका था। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आप तबीयत जब ठीक हो जाए तब आइएगा। मैं गया वहां पे, लाइट वगैरह सब ठीक ठाक करा के, लाइटिंग की, ऑपरेशन किया, शो अच्छा हो गया। इसी तरह से एक दिन पपेट का शो था, पपेट में भी मैं लाइट नहीं करता था, गिरधारी लाल करते थे। सब कुछ लाइट वाइट हो गई, जब शो होने वाला हुआ तो उन्होंने कहा कि सिंह साहब, मैं चाहता हूँ कि आप लाइट करो, आज मैं आगे से बैठ के देखना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, करो। अच्छा, क्योंकि लाइट में थोड़ा बहुत आता था तो मैंने भी जाके वहां हाथ साफ करना शुरू किया, मेरा स्पेशलाइजेशन लाइटिंग में ही था। तो कुछ चीजें जो गिरधारी लाल नहीं करते थे उसमें, शो का नाम था इच्छा देवी, पपेट शो का, मैंने कुछ चीजें इम्प्रोवाइज की उसमें, थोड़ी बहुत मैंने मूड लाइटिंग की। तो बाद में गिरधारी लाल जी आए कि कुछ जगह आपने बहुत अच्छा किया, वो नाइट का ड्रीम सीक्वेंस में आपने बड़ा अच्छा किया, अब आगे मैं भी ऐसा करूंगा। इस तरह से ये इम्तहान लेते लेते, बाद में खैर लोग बहुत मानने लगे, बहुत इज्जत करने लगे। गिरधारी लाल जी मुझे गुरु जी बोलते थे, मैं उनको उस्ताद बोलता था, सब लोग। और दिल्ली के थिएटर में भी लोग जानने लगे कि हाँ, जेपी सिंह एक हैं जो लाइट करते हैं। उसके बाद सौरभ शुक्ला का नाटक हुआ, जिसमें राघव मिश्रा के का डायरेक्ट किया हुआ था, लुक बैक इन एंगर, व्यू फ्रॉम द ब्रिज, महारथी, इसकी लाइट डिजाइन मैंने की थी। इसकी बेसिक लाइट डिजाइनिंग मेरी ही थी, मैं दिल्ली के बाहर नहीं जाता था। दिल्ली के बाहर होता था तो गिरधारी लाल जी जाते थे या फिर अवतार सहनी जी जाते थे, दिल्ली में जो लाइटिंग होती थी वो मैं ही करता था। फिर सौरभ शुक्ला जी ने मेरे साथ प्ले में एक्ट भी किया, मैंने एक मंत्रिमंडल नाटक डायरेक्ट किया था, एक अपने अपने दांव नाटक किया था, तो उसमें सौरभ शुक्ला जी ने एक्ट किया था, बहुत अच्छा किया था। एक्टर तो नो डाउट बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत मेहनत करते थे। ये नाटक किया उन्हीं दिनों दिल्ली में रहते हुए हम लोगों ने दर्पण दिल्ली का शुभारंभ किया। राकेश डग जी थे, मैं था और एक दो मित्र थे, उन लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने दर्पण दिल्ली की शुरुआत की। और अनुष्ठान, ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का पहला नाटक था, अनुष्ठान वो प्ले किया, उसमें मैं लाइट डिजाइन में था, मैंने एक्ट नहीं किया। फिर तो कई नाटक होने शुरू हो गए दर्पण से। हम लोग बेसमेंट में अक्सर हर महीने किसी न किसी सैटरडे संडे में दर्पण का प्ले होता रहता था, चाहे खामोश अदालत जारी है या कोई और नाटक। और बंसी भाई ने भी तथा नंदन की एक नाटक किया था। इस तरह से कई नाटक दर्पण के साथ हम लोगों ने किया। इस बीच राकेश डग जी बॉम्बे चले गए, दर्पण खत्म हो गया, मैंने अपना ग्रुप रंगभूमि 92 में रंगभूमि थिएटर ग्रुप बनाया, रंगभूमि से हम लोगों ने थिएटर करना शुरू किया। इस बीच दर्पण से एक बार हम लोगों ने श्रीराम सेंटर में साहित्य कला परिषद की मदद से एक दर्पण नाट्य समारोह भी किया था, जिसमें गोरखपुर दर्पण, लखनऊ दर्पण, कानपुर दर्पण और इलाहाबाद दर्पण और दिल्ली दर्पण भी था। कानपुर दर्पण का मुझे याद नहीं आ रहा, कानपुर दर्पण आया था नहीं आया था, लेकिन गोरखपुर से रश्मि रथी आया था, ये 88 की बात है। और इस तरह से 4 दिन का 5 दिन का फेस्टिवल हुआ था, बहुत अच्छा फेस्टिवल हुआ था और दर्पण को लोग जानने लगे थे, दर्पण के नाम से ऑडियंस आने लगी थी। जब भी कोई नाटक होता था लगभग ऑडिटोरियम भर जाता था, कई जगह लोग बाहर भी शो करने के लिए गए। फिर जब दर्पण खत्म हुआ, राकेश जी भी चले गए,
मैं अकेला हुआ, क्योंकि सारा जो सिक्योरिटी भाई थे, राकेश जग जी, तो दर्पण खत्म हुआ। फिर हम लोगों ने, मैंने और चित्रा ने मिलके रंगभूमि को शुरू किया और रंगभूमि में नाटक करने शुरू किए। इस बीच में श्रीराम सेंटर में था, ऑडिटोरियम की बुकिंग और सब चीजें करता था। तो एक दिन साहित्य कला परिषद के सेक्रेटरी स्वर्गीय सुरेंद्र माथुर जी वहां आए, तो उन्होंने डेट के लिए मुझसे बात की। मैं वहीं फॉयर में बाहर ही खड़ा था कि कोई फेस्टिवल करना चाहते हैं और हमें डेट चाहिए। तो मैंने उनसे फॉयर में कहा कि आप यहाँ कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं नीचे बेसमेंट में से डायरी लेकर आता हूँ, अभी आपको डेट बता देता हूँ कि कौन सी डेट खाली है कौन सी नहीं है। एक सीनियर आदमी थे, मैंने यही सोचा, सीनियर आदमी, इनको कहाँ हम बेसमेंट में ले जाएं। एज भी थी कि सीढ़ियां उतारे फिर सीढ़ियों से चढ़ के आएंगे। एक जो अपने उत्तर प्रदेश का संस्कार है, अपने यहाँ का लखनऊ का अंदाज है, वो मेरे मन में था। हालांकि कोई दूसरा होता, चलिए मेरे ऑफिस में डायरी देख के आपको बताते हैं। मैं लेकर डायरी ऊपर आ गया, डेट मैंने देखी और मैंने बता दी कि ये चंग खाली है, आप इसमें से जो भी डेट लेना चाहें आप ले लीजिए। तो उन्होंने एक 4-5 दिन की डेट ब्लॉक की, उनको चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल करना था, तो 5 दिन के लिए डेट चाहिए थी। मैंने कहा ठीक है सर, खाली है, आप ले लीजिए, मैं ये डेट रोक देता हूँ। मैंने पेंसिल से लिख दिया SKP साहित्य कला परिषद, और आप इसका पेमेंट वगैरह कुछ भिजवा दीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, ये बुकिंग आपकी फाइनल हो गई। तो उनको जो है मेरा ये आना, ये अपने ऑफिस में ना ले जाकर ये यहाँ पर मुझे बिठा दिया इसने, और डायरी लेकर खुद आया और इतना अच्छे ढंग से इसने बात की, सब कुछ किया, डेट बुक हो गई, तो थोड़ा सा वो इम्प्रेस हो गए। बाद में उन्होंने ये बताया था तो प्रभावित हो गए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या नाम है। मैंने कहा JP सिंह। तुम साहित्य कला परिषद में आना चाहोगे? मैंने कहा हाँ सर, क्यों नहीं आना चाहेंगे, बिल्कुल काम करना चाहेंगे, तो आ जाओ, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट है, तो तुम्हें कुछ समय के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे और उसके बाद देखते हैं, जहाँ तक है रेगुलर हो जाओगे और काम करना शुरू करो, काम सीखो पहले। तो ठीक है, थोड़ा बहुत दूरदर्शन में काम किया था, ऑफिस वर्क, और श्रीराम सेंटर में किया था। वो इस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का ऑफिशियल वर्क, कैसे फाइल पुटअप करते हैं, कैसे अप्रूवल लेते हैं, कैसे बजट बनाते हैं, ये सब मुझे नहीं आता था। उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए। तो मैंने कहा कि सर मुझे 1 महीना टाइम देना पड़ेगा, 1 महीने बाद ही मैं आ सकता हूँ। उनका कोई बात नहीं, आप 1 महीने बाद आ जाओ। तो अब मैंने सोचा कि कोई बहाना बनाया जाए यहाँ से निकलने का। मैंने जो ड्यूटी एम्स में की थी, एक दिन शो किया था, मेरी ड्यूटी होती थी 10 से 5, 10 बजे आइए, ऑडिटोरियम की बुकिंग और सब, शो शुरू हो जाए उसके बाद आप चले जाइए। उसके बाद अगर कोई ड्यूटी करता था तो उसको ओवर टाइम दिया जाता था। मैंने एम्स में जो एक शो किया था, मैंने एक दिन अपना ओवर टाइम भरकर भेज दिया कि ये ओवर टाइम 15 रुपए मिलते थे उस समय। राजेंद्र नाथ जी के पास वो मैंने अपना फॉर्म भेज दिया, तो उन्होंने वो फॉर्म मेरा रिजेक्ट करके भेज दिया कि तुम्हें ओवर टाइम नहीं मिल सकता। मैंने कहा अरे भाई, एक आदमी आपका छुट्टी पे चला गया, मेरी ड्यूटी 10 से 5 है, नहीं तुम ऑफिसर हो, तुम्हें 15 रुपए। कैसा ऑफिसर, लाइट कर रहे हैं, लाइट डिजाइन कर रहे हैं, लाइट सेट कर रहे हैं, लेबर की तरह काम कर रहे हैं, कौन सा ऑफिसर, सिर्फ बुकिंग कर दे रहे हैं इसलिए ऑफिसर हो गए। खैर धीरे धीरे वहां पर रिपर्टरी वगैरह का भी काम मेरे ऊपर आ गया था, वहां पर जो भी बैक स्टेज था, पन्ना भरत राम जी धीरे धीरे और भी काम देती जा रही थी। ये चीज मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने काम भी किया, ओवर टाइम भी किया, इनका शो संभाल लिया, उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं हम 15 रुपए नहीं देंगे, और वो जो 750 या 900 रुपए मिलते थे उसमें 15 रुपए बहुत मायने रखते थे। उस समय मंडी हाउस से शकरपुर जाने के लिए जहाँ घर था, 50 पैसे का टिकट लगता था, तो 15 रुपए बहुत मायने रखते थे। तो वो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने तुरंत जो है अपना रिजिग्नेशन लिख दिया, मैं यहाँ से अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ और 1 महीने बाद मैं, मेरी सेवा यहाँ से समाप्त समझी जाए करके मैंने भेज दिया।
कोई जवाब नहीं आ रहा था, लोगों को पता लग गया कि जेपी सिंह यहाँ से जा रहे हैं, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया है। वहां पर एक बुक शॉप थी, वहां पर मिसेज आचार्य थी, मुझे बहुत मानती थी और अक्सर हम उनसे मिलते थे, बात करते थे। वो कहती थी जो भी किताब तुम्हें चाहिए यहाँ से ले जाओ, पढ़ो लिखो और लाके फिर यहाँ रख दो। और मेरा जो पहला नाटक है मध्यांतर, उन्होंने ही कहकर विद्या प्रकाशन मंदिर से प्रकाशित करवाया था। मिसेज आचार्य वहां पर बुक शॉप, जो बुक स्टॉल था, उसकी मालकिन थी। तो उन्होंने जाके उससे कहा कि एक पढ़ा लिखा लड़का है, समझदार है, यहाँ तो जो भी आते हैं अंगूठा छाप आते हैं, वहां पर डिमर पर क्या नंबर है जल्दी कोई नहीं पढ़ पाता था। कई साल तक लोग जो बाद में आए होंगे उन्होंने देखा होगा डिमर पर जो 1-2 करके और 20 नंबर तक ये लिखा हुआ था वहां डिमर पर, वो मेरे हाथ का लिखा हुआ था। सीट के पीछे भी कई बार जो है सीट के पीछे भी नंबर मेरे हाथ का लिखा होता था, क्योंकि जब वहां पर स्टेज पे खड़े होके कुछ लोगों को मैं कहता था कि डिमर नंबर 17 जलाइए, 16 जलाइए, तो उनके समझ में नहीं आता था, वो 1-2 गिनना शुरू करते थे। फिर मैंने उनको गिनती का परिचय कराया, ये 16 है, 17 है, 15 है, इस तरह करके काफी कुछ वहां चीजें मैंने भी इम्प्रूव की थी, सजेशन भी दिया था ये चीजें कीजिए अच्छा हो जाएगा। खैर जब तक जहां दाना पानी होता है आदमी तभी तक रहता है, और एक बहाना भी मिल गया। खैर 1 महीने बाद रिजाइन करके मैं साहित्य कला परिषद पहुंचा, सुरेंद्र माथुर जी अंदर ऑफिस में बैठे थे, मैंने स्लिप भेजी, जेपी सिंह मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं अंदर गया। हाँ कैसे आना हुआ? बड़ी देर तक मैं उनका मुंह देखता रहा। मैंने कहा सर आपने ही बुलाया था कि वो प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट है, आ जाओ काम के लिए। अरे 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 अरे, अरे। मैंने तो उस पर रमेश मनचंदा को रख दिया है, रमेश मनचंदा इस समय काम कर रहे हैं, तुमने बताया नहीं। मैंने कहा सर आपके सामने बात हुई थी कि 1 महीने का नोटिस देकर मैं आ जाऊंगा। 1 महीने का नोटिस देकर मैं आ गया, 1 महीना खत्म हो गया, मैंने तो कर दिया। अब तो ना वहां की नौकरी है ना यहाँ की, मैं तो दिल्ली में तो मेरा वही काम था और कुछ था ही नहीं। तो थोड़ी देर तक वो सोचते रहे, बोले अच्छा कल आ जाओ। फिर रमेश मनचंदा जी से उनकी जो भी बात हुई हो, उन्होंने दूसरे दिन से कहा ठीक है तुम काम करो। तो वहां पर मैंने काम करना शुरू किया और वहां पर कई सेक्शन थे, ड्रामा सेक्शन, म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर का भी था थोड़ा बहुत काम। तो मुझे लगभग हर फील्ड का काम करना पड़ता था, देखना पड़ता था। वहां पर उस समय कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी वगैरह नहीं था, ले देके सिर्फ एक ये सेक्रेटरी थे, एक महिला थी जिनको इन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट किया था, तो कभी कभी आती थी। वैसे तो अपॉइंटमेंट उनका डिप्टी सेक्रेटरी ड्रामा हुआ था, लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसा देखा नहीं उनको काम करते हुए वहां पर, इस तरह फाइल डील करते हुए, या शो जब हो रहा तो शो में कभी आई हूं। तो मुझे म्यूजिक का भी काम, डांस का भी काम, फाइन आर्ट का भी काम, ड्रामा का भी काम, सब देखना पड़ता था। और मैं सब करता था कि चलो इसी बहाने हम सीखेंगे। सीखते सीखते मुझे म्यूजिक डांस का भी काम पता लगा, फाइन आर्ट की एग्जीबिशन भी लेकर मैं बंगलौर गया था जिसमें बेस्ट एग्जीबिशन का मुझे 5,000 का अवार्ड भी मिला था। ड्रामा का काम शुरू हुआ, लगभग 6 साल मैं वहां कॉन्ट्रैक्ट पे रहा। फिर आकर 94 में मुझे असिस्टेंट सेक्रेटरी पोस्ट पर रखा गया। लेकिन वहां भारतेंदु नाट्य अकादमी में, यहाँ पर साहित्य कला परिषद में पहुंचने के बाद भी वो पीछे पीछे कहीं कहीं दिमाग में भारतेंदु नाट्य अकादमी की छाप थी। मेरे दिमाग में लगता था कि जो सीखा है उसको कहीं तो उपयोग में लाएं, कुछ तो करें। करते जाते थे, जो भी सुझाव होता था सेक्रेटरी को देते थे। कोई ड्रामा करना चाहता था, कोई प्रपोजल आता था, मैं फटाफट पुटअप करता था, सर इसको ऑडिटोरियम दे दीजिए। नाटक करना चाहते थे उस समय, ऑडिटोरियम भी पहले तो 2,000 का था, फिर 5,000 का था, इस तरह धीरे धीरे बढ़ते हुए अब तो श्रीराम का किराया 60,000 हो गया है। तो काम शुरू हुआ, माथुर साहब चले गए, दूसरे साहब आए, तो ड्रामा का काम फिर मैं अकेले ही देख रहा था, असिस्टेंट सेक्रेटरी हो गया था। तो पहला काम मैंने किया कि वहां पर वार्षिक नाट्य समारोह होता था, साल भर के जो बेस्ट नाटक होते थे उनको सेलेक्ट करके एक साथ एक मंच पे साल भर में एक फेस्टिवल होता था,
भारतेंदु नाट्य उत्सव के वार्षिक नाट्य समारोह, तो मैंने उसका नाम कर दिया भारतेंदु नाट्य उत्सव और प्रस्ताव भेजा कि हिंदी रंगमंच के जनक संस्थापक ये भारतेंदु हैं, इसलिए इनके नाम पर ये किया जाए। इसमें दिल्ली के जो बेस्ट प्लेज होते हैं गत वर्ष के, उनका प्रदर्शन होता है, इसलिए उनके नाम पर ये रखा जाए। वो अप्रूव हो गया, भारतेंदु नाट्य उत्सव शुरू कर दिया। एक अखिल भारतीय नाट्य लेखन प्रतियोगिता होती थी, उसका नाम मैंने कराया मोहन राकेश नाट्य समारोह, मोहन राकेश नाट्य लेखन प्रतियोगिता, मोहन राकेश के नाम पे हो गया। बाद में मैंने देखा कि तमाम ऐसे थिएटर वाले हैं जिनके पास न ग्रुप है, ना आर्टिस्ट ज्यादा है, ना रिहर्सल प्लेस है, उनके लिए मैंने भारतेंदु नाट्य इसमें साहित्य कला परिषद में भरत मुनि रंग उत्सव शुरू किया, जिसमें एकल और दो पात्री नाटकों का उत्सव मैंने शुरू किया। काफी हिट हुआ इसका, कमानी में भी मैंने फेस्टिवल किया, फिल्म फेस्टिवल भी किया। इसी बीच साहिब सिंह वर्मा जी वहां पर मुख्यमंत्री थे और अवस्थी जी थे, सेक्रेटरी का चार्ज था, आईएएस थे, तो उनसे मैंने कहा कि सर मैं एक रंगमंडल शुरू करना चाहता हूँ यहाँ पर और आपकी इसमें मदद चाहिए, क्या होगा इस। मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि कुछ कलाकार होंगे, नाटक तैयार करेंगे, जगह जगह हम उसका शो करेंगे। फिर आया कि साहिब सिंह वर्मा जी नेता थे, इनको कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए। तो मैंने एक योजना बनाई कि ये हमारा परिषद परिक्रमा दल होगा, पहले इसका नाम रखा गया परिषद परिक्रमा दल, नाटकों का एक ग्रुप होगा, नाटककारों का, कलाकारों का, जो दिल्ली में जगह जगह जाएंगे, कोई नाटक तैयार करके नाटक करेंगे, लेकिन नाटक के पहले जो उस क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का जो भी कोई एक प्रतिभा होगी, आधे घंटे का समय उसको दिया जाएगा। कोई रागनी गा सकता है, रागनी गाए, कोई और गाना गा सकता है, गाना गाए। ये एक छोटी सी राजनीति मैंने की थी, जबकि ऐसा बाद में हुआ हुआ नहीं, ना मैंने किया, क्योंकि ये सब करना मुझे खुद बड़ा खराब लगता था कि नाटक के पहले कुछ हो रहा है, कलाकार एक मूड में बैठे हैं। और मैंने अपने जो सलाहकार समिति के सदस्य थे, काफी लोगों के स्वभाव से मैं परिचित था, मैं जानता था कि लोग इसका विरोध करेंगे, मैंने किसी को बताया ही नहीं कि ये एजेंडा क्या है। सबको बुलाया साहिब सिंह वर्मा के यहाँ, ओल्ड सेक्रेटेरिएट में मीटिंग हुई, सुबह का समय था, सारे लोग आ गए, मीटिंग हुई। उस दिन सुबह कौशल जी ने पूछा था तो मैंने बता दिया था कि एक रंगमंडल के लिए मीटिंग होनी है परिषद के। रंगमंडल, हाँ इतने रंगमंडल है, रंगमंडल की क्या जरूरत है। खैर वो आए, रोमेश चंद्र जी आए, सत्येन तनेजा जी आए, मीटिंग हुई। उसमें म्यूजिक डांस की जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थी, हमारे सेक्रेटरी थे, तो साहिब सिंह वर्मा जी के सामने मैंने ब्रीफ किया कि सर एक कलाकारों का दल हम बनाना चाहते हैं साहित्य कला परिषद में, उसका नाम होगा परिषद परिक्रमा दल, और जगह जगह जाकर जो आपके सरकार की योजनाएं होंगी उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे, कभी नुक्कड़ करेंगे, कभी नाटक करेंगे, और नाटक के पहले जो उस क्षेत्र की प्रतिभा होगी, नामी ग्रामी लोग होंगे जिस क्षेत्र के, उनको बुलाएंगे, उनको आधे घंटे के लिए मंच देंगे। ये चीज उनको बहुत अच्छी लग गई। हमारी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थी म्यूजिक डांस की, उनको भी ये चीज नहीं पता था कि ये जेपी सिंह ऐसा कुछ कराने जा रहे हैं, सेक्रेटरी को पता था। तो साहिब सिंह वर्मा को ये चीज बहुत पसंद आ गई, बोले हाँ ये तो अच्छा है, ये होना चाहिए, बजट की व्यवस्था थोड़ी बहुत हो जाएगी और इसको शुरू कीजिए, आप छोटे लेवल पे शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे बजट हो जाएगा, आप कीजिए। तब तक जो हमारी सेक्रेटरी थी, असिस्टेंट सेक्रेटरी म्यूजिक डांस, ऐसे तो म्यूजिक डांस में भी हो सकता है, तो साहिब मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साहिब सिंह वर्मा ने कह दिया अरे पहले एक तो शुरू होने दीजिए, बाद में आप म्यूजिक डांस का भी कर लीजिएगा। खैर मैं बच गया, हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए। ये जो हमारे सदस्य लोग आए थे एडवाइजरी कमेटी के, अरे यहाँ पर एनएसजी की रिपर्टरी है, एलटीजी की रिपर्टरी है, श्रीराम सेंटर रिपर्टरी है, शीला भाटिया जी की रिपर्टरी है, ब्रिक्तियन मिरर की है, इतनी रिपर्टरी है, रिपर्टरी क्या जरूरत है यहाँ पर। और साहित्य कला परिषद एक ऑफिस है, कल्चर को प्रमोट करने के लिए ऑफिस है, यहाँ पर इस तरह कल्चरल एक्टिविटी करने के लिए ऑफिस नहीं है। मतलब काफी सहयोग दिया हमारे
जो एडवाइजरी कमेटी के लोग थे, और बाहर आके भी लोगों ने मुझे सुनाना शुरू किया, डांटना, ये एजेंडा तुम पहले से बता दिया करो, तुम्हारा एजेंडा क्या था, तुमने आके चुपचाप यहाँ पर ये सब करा लिया। खैर ये रिपोर्टरी हो गई और मैंने बजट बनाया, सब कुछ पैसा नहीं था, बहुत कम बजट में रिपोर्टरी मैंने शुरू की। परिषद परिक्रमा दल 2,000 रुपए जो बी ग्रेड के थे, 2,500 रुपए जो ए ग्रेड के थे, उन लोगों को किया, लेकिन मुझे पता था कि ये पैसे बहुत कम है, तो इसलिए मैंने किया था कि ये कलाकार रिपोर्टरी के लिए साहित्य कला परिषद में 2 बजे से आएंगे सुबह, जो आपको अपना काम करना हो, कहीं आपको रेडियो पे जाना हो, कहीं डबिंग है, वॉयस का है, दूरदर्शन, आकाशवाणी, कहीं कोई काम हो आप कीजिए, 2 बजे से आप यहाँ आइए। और पहली रिपोर्टरी में हमारे काफी अच्छे अच्छे कलाकार थे, वंदना शर्मा थी, अनूप त्रिवेदी थे, अपने शुक्ला जी थे, भारतीय नाट्य अकादमी के क्या नाम है शुक्ला जी का, सुल्तानपुर के हैं, आजकल बॉम्बे में हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और यहाँ एनएसजी रिपोर्टरी में भी रहे, श्रीराम रिपोर्टरी में, विजय शुक्ला वो भी थे। और जो मैंने चालाकी के साथ फाइल पुटअप की, उसमें लिख दिया कि पहला नाटक जो होगा वो भारतेंदु हरिश्चंद का अंधेर नगरी होगा, बल्कि कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या बच्चों का नाटक, तुम रिपोर्टरी की शुरुआत अंधेर नगरी से कर रहे हो, और उसमें लिख दिया था पहले अंधेर नगरी होगा और इस नाटक को बीएम शाह जी डायरेक्ट करेंगे। ये सब फाइल मैंने बना ली थी, क्योंकि डायरेक्टर का, सेक्रेटरी के सिलेक्शन का सब चल रहा था, मुझे पता था सेक्रेटरी आने वाले हैं, जब नया सेक्रेटरी आएगा तो कुछ न कुछ अपना चलाएगा, इससे पहले ही सब कुछ ठीक ठाक कर दो। खैर बाद में सेक्रेटरी आ गए थे, क्योंकि फाइल में सब कुछ था, इसलिए अंधेर नगरी नाटक हुआ, और बहुत अच्छा नाटक तैयार किया इन लोगों ने, बहुत बढ़िया म्यूजिकल नाटक पीएम शाह जी ने डिजाइन किया, ओपनिंग श्रीराम सेंटर में हुई थी। आज भी मुझे याद है विजय शुक्ला ने जो एक डायलॉग इम्प्रोवाइज किया था, और मतलब हंसी सबकी छूट पड़ी थी, ये डायलॉग भारतेंदु हरिश्चंद ने नहीं लिखा था, न स्क्रिप्ट में था। साहित्य कला परिषद की रिपोर्टरी थी, साहित्य कला परिषद का ऑफिस करा रहा था, और विजय शुक्ला जी ने मंच पर पहले शो में ओपनिंग में बोला था कि जो मैं बोलता हूँ साहित्य है, जो मैं करता हूँ कला है, बाकी सब परिषद है। तो ये उन्होंने किया था, आज भी मुझे वो डायलॉग याद है। खैर बाद में ये नाटक एक बार साहिब सिंह वर्मा देखने आए, उन्होंने नाटक देखा अंधेर नगरी, हालांकि नाटक ये 1880 के आसपास लिखा गया था, नाटक उन्होंने देखा कि भैया अंधेर नगरी नहीं है ना, यहाँ का राजा चौपट है, इस नाटक को फटाफट बंद कीजिए। साहिब सिंह वर्मा जी ने कहा, और शेखर वैष्णवी जी थे सेक्रेटरी, वो नाटक बंद हो गया। उसके बाद तो परिषद रंगमंडल ने बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए, दीदी ठाकुरून, लड़ी नजरिया, तमाम नाटक, इनका सिन्हा साहब का नाटक हुआ था, मेरे भाई मेरे दोस्त, कई नाटक हुए, और परिषद रंगमंडल की वजह से साहित्य कला परिषद को लोग जानना शुरू हो गए थे कि हाँ दिल्ली में कोई साहित्य कला परिषद नाम की चीज है, जहाँ पर इस तरह का रंगमंडल है, क्योंकि ये बहुत घमंड की बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हम श्रीराम रंगमंडल और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रंगमंडल के समानांतर नाटक करने लगे गए, और हर जगह से आलोचक समीक्षक जो भी थे बहुत उसकी पसंद करते थे, बहुत तारीफ करते थे। लेकिन बीच में धीरे धीरे, क्योंकि जब लोग इंटरेस्ट कम लेने लगते हैं या कोई और भी कारण आ जाते हैं, तो कोई भी चीज वो बंद हो जाती है, रंगमंडल बंद हो गया। ये रंगमंडल मैंने शुरू कराया था, मैं ये इसमें बताना चाह रहा था कि भारतेंदु से निकलने के बाद भी कहीं ना कहीं भारतेंदु को मैं अपने साथ लेकर चलता रहा। फिल्म डिवीजन ने एक फिल्म बनाई भारतेंदु पर, जिसमें भारतेंदु का रोल मैंने ही किया है, अभी भी आर्काइव्स में वो फिल्म है, और अपना नाटक चलता रहा साथ में, नाटक लिखता रहा। अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन अभी भी नाटक कर रहा हूँ, नाटक लिख रहा हूँ। जब तक मैं साहित्य कला परिषद में था, कलाकारों की किस तरह से मदद की जा सकती है,
थिएटर को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, हमेशा करता रहा। नाट्य लेखन पर मैंने कार्यशाला की थी और उस कार्यशाला का संचालन करने के लिए बतौर गाइड मैंने असगर वजाहत साहब को, रामेश्वर प्रेम जी को, डॉक्टर प्रताप सहगल जी को, सुमन कुमार जी आए थे। हर ग्रुप में चार चार लड़कों को दिया था, ये पांच ग्रुप हैं, ये चार स्टूडेंट्स होंगे। तो डिसाइड ये किया था कि पांच ग्रुप में कम से कम पांच नाटक लिखे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग अपनी कोई कहानी सुनाइए, जो कहानी आपके गाइड पसंद करते हैं उस कहानी को मिलकर आप सब लोग डिस्कस कीजिए और नाटक को लिखना शुरू कीजिए। तो मैंने उम्मीद की थी कि ज्यादा से ज्यादा पांच नाटक लिखे जाएंगे, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मेरी कार्यशाला समाप्त हुई तो 14 नाटक लिखे गए। वो पांच नाटक तो जो लिखे गए थे, उसके अलावा जो नाटक लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल लोगों ने नाटक लिखा और 14 नाटक लिखे गए। मैंने सोचा था कि इन नाटकों का बाद में हम प्रदर्शन भी कराएंगे, इनको प्रकाशित भी कराएंगे, लेकिन जब एक आदमी कोई छोड़ के जाता है, कौन सी योजना रहेगी कौन सी नहीं रहेगी, अक्सर लोगों में होता है, अच्छा वो करके गए, चलो इसको बंद करो, ये नाम बदलो, ये होता था नहीं, अब ये नहीं, ये होगा। सबका अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपना विजुलाइजेशन होता है, हर कोई उस तरह से उसको विजुलाइज करता है, देखता है, करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कलाकारों के हित में कोई चीज है, कलाकारों का भला हो रहा है, तो वो चीज होनी चाहिए उसमें कि वो करके गया है, उसको बंद नहीं करना चाहिए। प्ले राइटिंग का अभी भी चल रहा है, ये बहुत पहले से चला था, पहले साहित्य कला परिषद पंजाबी में भी नाटक लिखवाता था, उर्दू में भी लिखवाता था, हिंदी में भी लिखवाता था। बाद में क्योंकि अकादमियां बन गई, इसलिए फिर हिंदी के ही नाटक लिखे जाने लगे और अब तक तमाम नाटक लिखे गए हैं। कोर्ट मार्शल, ताजमहल का टेंडर, ये सब नाटक, कोमल गांधार, ये सब नाटक साहित्य कला परिषद के अखिल भारतीय नाट्य लेखन प्रतियोगिता से आए हुए नाटक है। अगर आप किताब छपी है, आप किताब में देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि इसका पहला शो कोर्ट मार्शल का रंजीत कपूर साहब ने किया है, और ये ताजमहल का टेंडर नाटक जो हुआ है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया है, इसका पहला शो किया है। तो इस तरह से उसमें कोमल गांधार, ये भी उसमें आप देखेंगे तो मिल जाएगा कि साहित्य कला परिषद ने जो नाट्य लेखन प्रतियोगिता की थी तो उसमें ये नाटक लिखा गया था। वहां से अगर हम देखें, लगभग 30 साल तो मैं ही था, अगर 40 साल मान लीजिए तो कम से कम 100 नाटक तो लिखे ही गए होंगे अब तक। जो लोग कहते हैं कि हिंदी के नाटक नहीं है, हिंदी में नए नाटक लिखे नहीं जा रहे हैं, नए नाटक मिल नहीं रहे, नए नाटकों का मंचन नहीं हो रहा है, तो दरअसल जब हम एक नाटक देख लेते हैं, किसी का प्रदर्शन देख लेते हैं, शो देख लेते हैं, तो वो नाटक मेरे दिमाग में बैठ जाता है, तो उसको डिजाइन करना बड़ा आसान होता है। हम निकलते हैं कहीं से, सीख के निकलते हैं, तो वो नाटक मेरे अंदर होता है, फटाफट जाके हम वो नाटक कर देते हैं। तो बार बार उन्हीं नाटकों को हम जो है घुमाते रहते हैं, बार बार वही नाटक होते रहते हैं। नए नाटकों में रिस्क है, आपको ए टू जेड सोचना पड़ता है, सेट डिजाइन क्या होगा, लाइट डिजाइन कैसे करेंगे, करेक्टराइजेशन कैसे होगा, एक एक सीन का डिजाइन आपको सोचना पड़ता है, कैसे आप उसको करेंगे। किया कराया है, देखा दिखाया नाटक है तो आसान होता है। एक तरह के जो लोग इस तरह करते हैं वो पलायनवादी होते हैं, मैं तो कहूंगा वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर आप रिस्क लीजिए, तमाम नाटक है लिखे जा रहे हैं। इस अभी कोरोना काल में मैंने खूब पढ़ाई की है, उपन्यास पढ़ा है, नाटक पढ़ा है, कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक और काम किया है। नो डाउट घर में बंद हो गए हैं, एक तरह का फ्रस्ट्रेशन तो होता है, कुंठा होती है कि बंद हो गए, लेकिन अगर आप इस समय का सदुपयोग करना चाहें तो सदुपयोग भी कर सकते हैं। मैंने एक नाटक लिखा पारो, पारो नाटक है जिसमें लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है, पारो एक प्रथा का नाम है। वो एक पूरा नाटक मैंने लिखा और कई लोगों को पढ़ने के दिया, बहुत अच्छी समीक्षा मुझे मिली है।
पारो के साथ साथ मेरा एक अधूरा नाटक था गांधारी। मैंने इस बीच उस नाटक को पूरा किया, वो नाटक मेरा पूरा हो गया। एक और नाटक साहित्य कला परिषद के दौरान मैंने अर्जेंट मीटिंग नाटक लिखा था कि कला विभाग में, कला संस्थानों में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, थोड़ा बहुत एक झलकी मैंने उसमें दी थी। हालांकि उस नाटक को लिखने के बाद जब मेरे यहाँ मीटिंग कोई होती थी तो मुझे कमरे से बाहर कर दिया जाता था, अरे भाई इसको यहाँ से हटाइए, नहीं तो जाके फिर कोई नाटक लिखेगा बेमतलब, तो मुझे बाहर कर दिया जाता था। बहुत चीजें वहां रहकर मैं नहीं लिख पाया। वहां से निकलने के बाद अर्जेंट मीटिंग मेरा पहला नाटक है जो लिख चुका और एक व्यंग नाटक है, तमाम प्रदर्शन भी हुए हैं, 25-30 शो हो चुके हैं और देश के अलग अलग भागों में इसका प्रदर्शन हम कर चुके हैं। तो मैंने उसी चीज को आगे बढ़ाया, वही करेक्टर हैं, वही लोग हैं, एजेंडा बदल गया है, टॉपिक बदल गया है और उसका नाम है एक और मीटिंग, वो नाटक। ये तीन नाटक मैंने इस कोरोना काल में लिखे हैं। अब अगर आप थिएटर करते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, अभी नहीं हो पा रहा है, किसी नाटक की प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो आप नाटक की डिजाइनिंग कीजिए ना, नाटक पर होमवर्क कीजिए, उसके सेट डिजाइनिंग पे काम कीजिए, करेक्टर पे काम कीजिए। अगर आपके ग्रुप में आपको पता है कि ये आर्टिस्ट ये रोल कर सकता है, उस स्क्रिप्ट को आप उसको पीडीएफ भेज दीजिए उनको कि ये रोल आप तैयार कीजिए, रोल की तैयारी शुरू कर दें। कभी आप उनको जूम पर ले सकते हैं, एक साथ 8-10 लोग बैठ जाइए, उस प्ले की रीडिंग कीजिए, वो लोग थोड़ा रीडिंग करके आए, तैयार करके आए, तो आप उसकी रीडिंग कर सकते हैं। देखिए जो हमारे सामने बेवसी है, विवशता है, वो तो है ही, उसको हम नकार नहीं सकते। जिंदगी सबको प्यारी होती है, जिंदगी को दांव पर लगाकर हम कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी है तभी थिएटर है, तभी हम कुछ कर सकते हैं, जिंदगी नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। तो इस अनमोल जिंदगी को बचाते हुए उन लोगों को ये दे दीजिए कि आप इसको तैयार कीजिए, रीडिंग करते हैं, फिर जब हम मिलेंगे इसकी ब्लॉकिंग करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज और लगता है कि इस कोरोना काल में, कोरोना के समय में कम कास्ट के प्ले लोगों को लिखना चाहिए, दो पात्री, तीन पात्री, ज्यादा ज्यादा चार लोगों को ले लीजिए, चार लोगों को लेकर नाटक कीजिए। क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ करके अगर आप नाटक करना चाहेंगे तो अब आपको दिक्कत होगी, आपके पास जो स्पेस होगा आप डिस्टेंसिंग नहीं रख पाएंगे, कम लोग रहेंगे तो छोटी जगह में भी आप रिहर्सल कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं। कम कास्ट का प्ले किया जाए और इसकी तैयारी में मुझे लगता है कि अगर लोगों को पहले से दे दिया जाए कि लोग अपनी तैयारी करके आए तो अच्छा हो सकता है। हम बाद में, अभी ठीक है सितंबर अक्टूबर, हो सकता है नवंबर दिसंबर तक ठीक हो जाए, दिसंबर के बाद हो तो दिसंबर से अगर हम रिहर्सल करना चाहेंगे तो दिसंबर से हम शुरू करके आगे नाटक कर सकते हैं। मैं तो लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ और अभी तक मैं लगभग 20 नाटक लिख चुका हूँ। 20 नाटकों में से 15 नाटक मेरे प्रकाशित हो चुके हैं, जयवर्धन नाम से मेरे नाटक प्रकाशित हैं। जयवर्धन नाम भी लिखने का एक कारण था, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। शुरू में जब मैं नाटक लिखता था, करता था, लोग पढ़ते थे, तो इसके बारे में क्योंकि अपने साथ का है, इतनी ज्यादा उसकी आलोचना समीक्षा आ जाती थी कि आप कोई ना कोई एक नाटक उसके समानांतर लिख सकते हैं, ये भी ऐसा कर दो, वैसा कर दो। कुछ लोग तो जो मैं फोटो कॉपी करके देता था उनको कि आप ये नाटक पढ़ के बताइए, उसको वापस ही नहीं करते थे, वो देते ना उसके बारे में कोई राय सलाह देते थे। मैंने कहा ये गड़बड़ है, तो फिर मैंने जयप्रकाश सिंह, वैसे मेरा पूरा नाम है, जब मैं शहर आया तो जयप्रकाश सिंह से, क्योंकि मेरे मित्र जो पढ़ते थे विनय प्रकाश सिंह मेरे साथ, उनके फादर का नाम जयप्रकाश सिंह था, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये जयप्रकाश सिंह यहाँ लोग बोलेंगे, मुझे
अच्छा नहीं लगेगा, हम तुम्हें जेपी कहेंगे, जेपी सिंह। तो उन्होंने जेपी सिंह कहना शुरू किया, सबने जेपी सिंह कहना शुरू किया, लेकिन राज साहब मुझे जय सिंह कहते थे। तो जयप्रकाश, जयप्रकाश से जेपी सिंह, जेपी सिंह से हम जय किया। तो मैंने कहा लाओ मैं और छोटा कर देता हूँ, मैंने जयवर्धन नाम करके और छोटा कर दिया। लोगों को बताता ही नहीं था कि ये नाटक मैंने लिखा है, मेरा लिखा हुआ है, मैं करता था, डायरेक्ट करता था। लोग आकर मेरे सामने, मेरे मुंह के सामने ही तारीफ करते थे, अच्छा लिखा है नाटक, बढ़िया किया, रोल तुमने अच्छा किया, सारा कुछ करते थे, लेकिन मैं बताता नहीं। लेकिन जब मैं दिल्ली आया और मध्यांतर नाटक मेरा पब्लिश हुआ, लोगों ने देखा, तो धीरे धीरे लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि ये जयप्रकाश सिंह जो है, जेपी सिंह, यही जयवर्धन के नाम से लोगों को बेवकूफ बनाता रहता है, यही है। तो ये मेरी छोटी सी रंग यात्रा थी जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों के साथ बात की। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसमें, तमाम लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है, इनके इसमें आ रहे हैं, और मुझे लगता है समय भी समाप्त होने वाला है। तो जैसा अब मुझे कहेंगे विजय सिंह जी, उस तरह से हम करते हैं। तो मुझे इंडिकेशन की जरूरत है, विजय सिंह जी बताइएगा क्या करना है। जब तक याते मैं अपने बारे में थोड़ा बताता रहता हूँ। मैंने कई प्लेस किए हैं, मैंने लाइट एंड साउंड शोज भी किए हैं। ताल कटोरा में यहाँ पर स्टेडियम है, वहाँ पर डीएवी के बच्चों को लेकर मैंने झांसी की रानी किया, जिसमें 800 बच्चे थे। और अगले साल मैंने किया था जरा याद करो कुर्बानी, उसमें भी 750-800 बच्चे थे। और चार स्टेज बनाकर मैंने ये नाटक किया था। इसके अलावा अपने ग्रुप में जो नाटक किया है, गोदान किया है, बाबू हरिश्चंद किया है, और सम्राट अशोक में मेन सम्राट अशोक का रोल किया है। डीपी सिन्हा साहब का जो रक्त अभिषेक नाटक है, उसमें मैंने मेन रोल किया है। आप लोग अगर किताब कभी देखेंगे तो सम्राट अशोक में भी रक्त अभिषेक का जो कवर है, उसमें मेरी ही फोटो उसमें है। तो तमाम लाइट साउंड के शोज भी किए हैं, स्टेज शोज भी किए हैं, तमाम कठिनाइयां भी आई हैं। लेकिन एक चीज बताएं, असफलता के बाद कभी निराश नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा असफल हुआ हूं। दूरदर्शन ने पहले मुझे फेल किया, आकाशवाणी ने फेल किया, एनएसडी में आया था एडमिशन के लिए, एनएसडी ने भी मुझे फेल किया। जहां भी जाता था, एक दो जगह पहले नौकरी के लिए भी गया, वहां भी लोगों ने फेल कर दिया। लेकिन एक बार अगर आपका एक नाटक कमजोर भी हो थोड़ा सा, पहला शो, उसके बाद आप और मजबूती के साथ खड़े हो जाइए, नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, ठीक है जो हो गया हो गया। अगर आप ये ठान लेंगे, ये मान लेंगे कि मुझे कुछ करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप करके रहेंगे, करेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन हाँ, बस ये कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ सीख गया हूँ, बहुत कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिंदगी भर सीखते रहेंगे। म्यूजिक डांस में तो गुरु होता है, गुरु ऊपर बैठता है, शिष्य नीचे बैठता है। और गनीमत है कि थिएटर में गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, हम दोस्त की तरह, मित्र की तरह, सब हम रंग मित्र हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, जो आपको सिखाते हैं आप अगले को सिखाते हैं, एक दूसरे को देते जाते हैं, बांटते जाते हैं। यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा नहीं है, हम लोग साथ रह के ग्रुप में सीखते हैं। मेरा उच्चारण बड़ा खराब था, हम लोग एक कमरे में वहां रहते थे जब लखनऊ में, तो विनय प्रकाश सिंह साथ थे, वो रेडियो पर अनाउंसमेंट वगैरह करते थे, उनका उच्चारण बहुत सही था। अरुण त्रिवेदी साथ में रहते थे, हम लोग एक कमरे में किराए पर रहते थे, तो एक दूसरे को टोकते थे, अरे गलत बोल रहे हो, ठीक से बोलो, जिंदगी होता है, ज्यादा होता है। तो एक अच्छा, इस पर इरिटेट नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें पूछते रहते हैं, अपने को सुधारना चाहिए। ये नहीं कि रिहर्सल करने आए हैं या नाटक कर रहे हैं तब हम सही बोलेंगे, घर जाएंगे या और लोगों के बीच में जाएंगे फिर वही अशुद्ध बोलना शुरू करेंगे। ये हमेशा के लिए उसको गांठ बांध लीजिए, हमेशा के लिए करना है। एक्टिंग कोई सिखाता नहीं है,
जो हमारा अनुभव होता है ना, हम वही करते हैं जो हमारे लोग हमें बताते हैं, डायरेक्टर बताते हैं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ये खराब लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, इसको करो, इसको मत करो। हम स्टेज पे जब जाते हैं, ये मान के थोड़ो जाते हैं कि आज हम भरतनाट्य शास्त्र की तरह अभिनय करेंगे, आज स्टैनिस्लावस्की ने जो कहा है हम उस तरह से एक्टिंग करेंगे। आपने जिंदगी भर जो अनुभव लिया है, सीखा है, जब आपको एक कोई चरित्र मिलता है, आप बतौर अभिनेता उसी को उड़ेलते हैं, उसी को साथ लाते हैं। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है और आपकी क्या कल्पना है, आप उसी के हिसाब से करते हैं। ये मतलब व्याकरण सीखना जरूरी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अभिनय करते समय उस व्याकरण को आप वहां पर अप्लाई करें। आप अप्लाई नहीं कर सकते, जो आपको चरित्र मिला है आप उसका जब ढांचा बनाएंगे, थोड़ा डायरेक्टर बताएगा, थोड़ा आप बताएंगे, सोचेंगे, आप उस हिसाब से करते हैं। किसी थ्योरी को लेकर और व्याकरण को सीखना कुछ गलत नहीं है, लोगों को सीखना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि बाकी लोग थिएटर कर रहे हैं, ये सीख के क्या फायदा, उस जो सीखने वाले हैं अर्थेंद्र वाले, एनएसडी वाले, और जो नहीं है वो भी तो साथ में काम कर रहे हैं। कभी कभी जिसने नहीं सीखा वो अच्छा कर रहा है, ठीक है भाई, तो ये एक दो आ जाते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन कोई चीज सीखने में बुराई नहीं है, सीख लीजिए, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ए में नहीं काम आएगा तो बी में आएगा, बी में नहीं आएगा कहीं डी में आएगा, लेकिन कभी ना कभी वो चीज आपके काम जरूर आएगी, आप ये मान के चलिए। क्योंकि हम अपने आसपास जो जिंदगी है उसी से सीखते हैं, उसी से तो करते हैं, और कहाँ से लाते हैं। तो मैंने जो कुछ सीखा जाना, उसमें भारतीय नाट्य अकादमी का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमें सिखाने वाले थे भाटिया साहब, राजबिसारिया साहब। हालांकि राजबिसारिया साहब के डायरेक्शन मैंने काम नहीं किया है, लेकिन जो उन्होंने आधे अधूरे 4-5 महीना रिहर्सल की है, मैं बैठा उनका एक एक मूवमेंट देखता रहता था, और वो एक्टर को भी उसका मोटिवेशन समझाते थे कि ये मूव मैंने क्यों दिया है, ऐसा जल्दी कोई डायरेक्टर बताता नहीं। और आज मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के बेस्ट डायरेक्टर हैं राजबिसारिया साहब, बेस्ट टीचर तो है ही हैं, बेस्ट डायरेक्टर हैं। कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करते, ना करें, किसी के ऊपर कुछ लादा नहीं जा सकता, लेकिन बेस्ट डायरेक्टर हैं उनका इस एज में कोई सानी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। जितना अभी वो होमवर्क करके आते हैं, करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, एक तरह से मैं कहूँ मैं तो एकलव्य हूँ, मैंने उनको देख देख के सीखा है, उन्होंने कभी मेरे से कुछ कहा नहीं करने के लिए, न कराया, लेकिन देख के भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और अब तो भारतीय नाट्य अकादमी में इतनी चीजें, इतने संसाधन हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैं इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।